हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 8.1 प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को यहां पर हम पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहां पर आपको ये समाकलनों के अनुप्रयोग, ये अध्याय का नाम है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि आखिर हम समाकलन की सहायता से कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर ग्राफ थोड़े आने चाहिए। तो यहां पर आपके पास वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक ग्राफ ये है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे वाई स्क्वायर बराबर एक्स का। अब यहां पर देखिए, मैं आपको समझा देता हूं पहले तो, कि क्योंकि कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है कि आखिर इनके ग्राफ कैसे होते हैं। तो आपने सीखा था, आपके पास परवलय, आपने सांकव के परिच्छेद में सीखा था कक्षा 11 में, वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, वाई स्क्वायर बराबर -4ax भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay इस तरीके का हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay कुछ इस तरीके का हो सकता है। अब देख लेते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यहां पर 4a ये जो भाग होता है हर जगह, आप देखिए यहां पर -4a है, यहां 4a, यहां -4a, तो ये सब अचर राशि है क्योंकि a अचर राशि होती है। तो ये 4a कांस्टेंट अर्थात अचर हो गया। तो बस यहां पर क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और वाई स्क्वायर बराबर x, ये बिल्कुल एक जैसे ग्राफ हैं। बस क्या है कि 4a का मान यहां पर 1 हो गया है। तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पर ये आपके पास x अक्ष है और ये आपके पास y अक्ष है। इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का ग्राफ देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay का ग्राफ यदि आप देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखिए, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, अर्थात परवलय की। अब यहां पर कुछ छात्रों को कभी कभार संदेह होता है कि किधर की तरफ इनका मुंह खोलना है, तो वो समझ में नहीं आता है। तो उसको देखिए, वाई स्क्वायर है यहां पर बाएं पक्ष में, अर्थात हमेशा धनात्मक ही चिन्ह होगा क्योंकि वाई स्क्वायर है। अब यहां पर 4 एक अचर राशि है और एक पॉजिटिव राशि होती है, तो x हमेशा ध्यान रखें धनात्मक ही होना चाहिए, तभी तो देखिए धनात्मक आएगा इधर, क्योंकि इधर भी धनात्मक आएगा हमेशा। तो देखिए, x हमेशा पॉजिटिव है, तो आपने ये बना दिया। वाई स्क्वायर बराबर -4ax में आप देखिए 4a हमेशा पॉजिटिव है, माइनस यहां लग गया है, तो x नेगेटिव होना चाहिए तभी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए, x नेगेटिव अक्ष में जो बना हुआ है, केवल उधर ही की तरफ अपने पास ग्राफ आएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay में भी और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay में भी आप देख सकते हैं। चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी परवलय के। अब हम इस प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो यहां पर मैं देखिए इसको सबसे पहले कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। अब देखिए, ग्राफ बनाता हूं, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से आपने बना दिया। अब देखिए, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4 बोला गया है, तो आप जानते हैं एक्स बराबर 1, अब ये रेखा होगी क्योंकि यहां पर वाई का कुछ निशान दिया ही नहीं है। तो अगर ये रेखा है, तो अब देखिए आप एक्स बराबर 1 एक रेखा खींचेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अब ये ऊपर नीचे आप दोनों तरफ खींच देंगे, तो यहां पर मैं देखिए दोनों तरफ बना देता हूं। तो x बराबर 1 वाली रेखा आपने खींच दी। इसी तरीके से अब आप x बराबर 4 वाली रेखा खींचेंगे, तो आप देखिए x बराबर 4 वाली रेखा आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अपने पास 4। अब यहां से आपने रेखा तो खींच दी, अब आपको बोला गया कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद का मतलब है प्रथम चतुर्थांश में। तो यहां से मैं यहां पर आपको लिख भी देता हूं, इसका मतलब है चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपके पास x अक्ष थी और ये आपके पास y अक्ष थी। अब प्रथम चतुर्थांश में आप देखिए और बोला गया है x अक्ष से घिरा, तो x अक्ष आपके पास देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये x अक्ष है आपके पास, तो आप देखिए कि x बराबर 1, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपके पास कुछ इस तरीके से ये वाला आ रहा है।
तो बेसिकली आपको इस क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है जो मैंने यहां पर देखिए नीले रंग से आपको दर्शाया है। अब समझते हैं कि कैसे हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें एरिया अर्थात जो क्षेत्रफल होता है। अब आप सबसे पहले एक पट्टी बनाएंगे, छोटी सी पट्टी। तो उसको देखिए, अगर हम एक पट्टी छोटी सी बनाएं तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से बन सकती है। ये छोटी सी पट्टी बनी। अब देखिए जो आपको ये कवर करना है एक से लेकर चार तक, इतना एरिया कवर करना है। तो देखिए इस पट्टी को आपको इधर और इधर मूव करना पड़ेगा, तभी तो एक से लेकर चार तक का पूरा एरिया कवर कर पाएगी ये वाली पट्टी। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये पट्टी एक्स अक्ष पर मूव कर रही है, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है, एक पर भी जाएगी और चार तक जाएगी, एक से चार के बीच में घूमेगी, तभी तो ये एरिया कवर कर पाएगी। तो इस तरीके से जो आपके पास ये एरिया होगा वो आता है एक्स वाले, अगर आप लिमिट लगाएंगे अर्थात सीमा लगाएंगे जो एक से चार तक है, तब आप लिखेंगे वाई डी एक्स के बराबर। तो अब ये आपके पास एक तरीके से फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स, या एरिया को हम एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं। जब एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल बोला जाएगा तब आप वाई डी एक्स लगाएं, जब वाई अक्ष से पूछा जाएगा तब आप एक्स डी वाई लगाएंगे। तो यहां से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा, अगर हम इसको यूज करें एरिया अर्थात क्षेत्रफल बराबर वाई डी एक्स। और यहां पर आप देखो अब जो हम सीमा भी लगा देते हैं तो एक से लेकर चार तक है, यहां पर मैंने भले ही लिमिट नहीं लगाई है, मैं यहां लिख भी देता हूं ए से लेकर बी। इसका मतलब यह है कि सीमाएं आपको लगानी होंगी हर जगह। तो यहां से आप देखिए एक से लेकर चार वाई का मान आप देखो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो वाई बराबर आपके पास अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो वाई का मान तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्लस माइनस ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपसे बोला गया है कि आपको प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करना है अर्थात धनात्मक वाला चिन्ह ही आपको लेना पड़ेगा यहां से, इसलिए आपने y का मान रूट एक्स लगा दिया और ये dx हो गया आपके पास। फिर आप देखिए आपके पास अब रूट एक्स का इसका आपको समाकलन करना है, समाकलन आपने सीखा है, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और यहां पर आप लिमिट अर्थात सीमाएं लगा देंगे 4 से लेकर 1। अब देखिए 2/3 ये तो अचर राशि होगी, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये तो बाहर ही रहेगा। अब आप x की घात 3/2 इसमें सीमाएं लगाएंगे क्योंकि x एक चर राशि और 4 और 1 तो x के मान ही तो होते हैं, तो आप लिखेंगे 4 की घात 3/2 - 1 की घात 3/2। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास हो जाएगा 2/3। अब देखिए 4 की घात 3 पहले कर लीजिएगा तो 64 आ गया, अब इसकी घात हम 1/2 कर देते हैं, माइनस 1 की घात 3 पहले कर लीजिएगा तो 1 आ गया, फिर उसके बाद 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि आपने सीखा है a की घात mn कुछ इस तरीके का हो तो a की घात m की घात n लिख सकते हैं आप अपनी सहूलियत के अनुसार। तो इस प्रॉपर्टी का मैंने यहां पर उपयोग किया है। तो देखिए 2/3। अब 64 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, माइनस 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 × 7 अर्थात 14/3। अब यहां पर देखिए क्षेत्रफल है तो कुछ ना कुछ इसका मात्रक तो होना चाहिए। अब यहां पर ऐसा तो आपको कुछ भी नहीं पता कि सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि कहीं कुछ दिया ही नहीं गया है, तो यहां पर बस आप मात्रक लिखने के लिए यहां पर लिख सकते हैं वर्ग मात्रक, या अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। यूनिट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो लंबाई के मात्रक क्या है यहां पर, और स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है। तो इस तरीके से आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। यहां पर बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा ही सवाल है आपके पास, बस आपको यहां पर क्या करना है कि जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो पहले चतुर्थांश में ही करना है जैसा कि प्रथम प्रश्न में था, लेकिन वक्र और ये x बराबर 2, x बराबर 4 इनमें कुछ आपके पास अंतर कर दिया गया। तो सबसे पहले तो यहां पर हम फिगर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर देखिए x अक्ष बना दी, इसी तरीके से यहां पर देखिए हमने एक y अक्ष भी बना दी। अब हम यहां पर y स्क्वायर बराबर 9x ये वाला ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था y स्क्वायर बराबर 9x आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
ये आपके पास वाई एक्स हो गया और ये आपके पास एक्स एच आ गया, ये वाई स्क्वायर बराबर नो एक्स, इसका हमने ग्राफ बना दिया। अब बोला गया है कि x बराबर 2 आपको बनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है x बराबर 2, ये तो आपके पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो 2,0 से गुजरेगी, तो ये आपके पास हो गया x बराबर 2 वाली रेखा। इसी तरीके से हम x बराबर 4 वाली रेखा भी बनाएंगे, तो देखिए x बराबर 4 वाली आपके पास ये वाली रेखा हो जाएगी, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं x बराबर 2 वाली रेखा और ये x बराबर 4 वाली रेखा। फिर देखिए बोला गया है कि x अक्ष भी आपको बनानी है, तो x अक्ष यदि आप बनाएंगे तो आप देख रहे हैं आपके पास कुछ इस तरीके से ये x अक्ष आ जाएगा। तो अब आपको बोला गया कि इनसे जो घिरा क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है, तो देखिए इनसे घिरा क्षेत्रफल वो भी आपको बोला गया कि प्रथम चतुर्थांश में, तो आप देख सकते हैं इनसे जो घिरा क्षेत्रफल है प्रथम चतुर्थांश में वो ये वाला होगा, जिसको देखिए यहां पर मैं गुलाबी रंग से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ गया, अर्थात आपको इस क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में यही भाग आ रहा है इनसे घिरा हुआ। तो हमने आपको बताया था कि जब भी x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपसे बोला जाए तो आप वहां पर y dx कुछ इस तरीके से लगाएंगे और यहां पर लिमिट अर्थात सीमाएं लगाते हैं a से लेकर b। अब यहां से देखते हैं a और b क्या होंगी और ये y dx को हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमने एक नोटेशन लिखा है स्टैंडर्ड कि हम क्या लिखते हैं मानक रूप में। तो सबसे पहले तो जब भी x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपके पास आए या आप y dx लगाएं तो आप एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाएंगे, क्योंकि देखो y dx का मतलब है कि यहां पर x की सीमाएं लगानी है, x की सीमाएं तब आएंगी जब जो आपकी पट्टी वो x अक्ष पर घूमेगी इधर उधर, इसका मतलब आपको एक ऊर्ध्वाधर पट्टी लगानी पड़ेगी। चलिए ऊर्ध्वाधर पट्टी हम लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके पास देखिए एक ऊर्ध्वाधर पट्टी आ जाएगी, ये आपके पास देखो ऊर्ध्वाधर पट्टी आ गई। अब देखिए ये ऊर्ध्वाधर पट्टी स्वाभाविक सी बात है इधर और इधर 2 से लेकर 4 के बीच में घूमेगी, तभी तो ये इस पूरे एरिया को कवर कर पाएगी, तो इसका मतलब यहां पर हम जो सीमाएं लगाएंगे वो 2 से लेकर 4 तक लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहां पर देखो अब y का मान लगाते हैं, तो यहां से y स्क्वायर बराबर 9x है, तो y का मान आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 3√x का। अब बात आती है कि यहां पर प्लस का लें या माइनस का लें या दोनों लें, तो देखिए चूंकि यहां पर आपको प्रथम चतुर्थांश में मान निकालना है अर्थात y बराबर प्लस का ही लेना पड़ेगा, तो 3√x हम लिख देते हैं, और देखिए ये dx चल रहा है तो इसको तो आप ऐसा का ऐसा ही लिख ही देंगे। अब देखिए 3 तो एक अचर राशि है तो आपने भार ले लिया, अंडर रूट एक्स को आप एक्स की घात 1/2 लिख सकते हैं, 2 से लेकर 4 तक dx, ये समाकलन हो गया। अब देखिए ये निश्चित समाकलन आ गया अपने पास, ये तो आपने सीखा ही है पिछली प्रश्नावलियों में, तो देखिए 3, अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 1/2 + 1/2 + 1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहां पर आप सीमाएं लिख देंगे निम्न सीमा 2 और उच्च सीमा 4। फिर आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा 3, अब देखो 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा अर्थात 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये हर में था, जब ऊपर जाओगे तो 2/3 आ जाएगा, क्योंकि अचर राशि भी थी इसलिए हमने इसको अलग कर लिया, क्योंकि x तो ये इसमें कहीं था ही नहीं, जो ये 4 और 2 होते हैं ये तो x के मान होते हैं एक तरीके से। तो देखिए अब आप 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 4 लगाएंगे उच्च सीमा, तो 4 की घात 3/2 - 2 की घात 3/2 ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए 3 से ये 3 आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा यहां पर 2। अब आप देखिए 4 की घात 3/2 है तो आप इसको देखो ऐसे तरीके से लिख सकते हो 4 की घात 3 की घात 1/2, तो ये देखो 64 हो जाएगा और इसकी घात 1/2 8 आ जाएगा, या कुछ छात्र इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले वो 4 की घात 1/2 करें फिर 3 करें, तो देखिए 4 की घात 1/2 अर्थात 4 का वर्गमूल 2 आ गया और 2 की घात 3 ये 8 आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो तो आपके पास कुछ नियम होते हैं उन नियमों का पालन करें, हमेशा मान समान ही आएगा। तो देखिए ये आपके पास 8 आ गया माइनस 2 की घात 3/2 अर्थात 8 की घात 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 आ गया, ये 8 माइनस देखो 8 का वर्गमूल अगर आप लोगे तो 2√2 ये आपके पास आ जाएगा, और यदि आप इसको थोड़ा सरल करें अर्थात 2 का गुणा कर दें इस कोष्टक में अंदर, तो देखिए 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4√2 आपके पास ये आ जाएगा। यहां पर आप वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है जो दूरियों के मात्रक है वो सेंटीमीटर है मिलीमीटर है या किलोमीटर है, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं दिया इसलिए आप इकाई या मात्रक उनकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास
ये प्रश्न संख्या दो का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या तीन की ओर हम बढ़ लेते हैं। यहां पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई, वाई बराबर दो, वाई बराबर चार एवं वाई एच से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहां पर जो आपके पास परवलय दिया है वो एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई है, तो एक्स स्क्वायर बराबर चार ए वाई ये एक मानक परवलय था। इसका आपके पास देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था। अब आपने सीखा था कि चार ए जो ये होता है ये तो एक अचर राशि होती है, यहां तीन पांच आठ कुछ भी हो सकता है, अचर राशि है। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई ये कुछ इस तरीके का ही है, क्योंकि देखो ये चार ए और यहां पर चार है तो अचर राशि ही है। तो इस तरीके से आप पहले सबसे पहले इसका ग्राफ बना देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हूबहू बिल्कुल एक एक चीज देख के ग्राफ बनाना है, आपको तो एक रफ ग्राफ समझ लेना है कि आखिर किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहां पर आपका मेन जो उद्देश्य है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ना कि चित्र बनाना ढंग से। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा। अब आपने देखो एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई ये ग्राफ तो बना दिया, ये आपके पास हो गई एक्स एच और ये आपके पास हो गई वाई एच। फिर आप देखिए यहां पर वाई बराबर दो, ये स्वाभाविक सी बात है एक रेखा होगी, क्योंकि केवल वाई का मान दिया है इसका मतलब ये रेखा है। अगर वाई के साथ साथ एक्स का मान भी दिया होता तब ये एक बिंदु हो जाता। तो यहां पर आप वाई बराबर दो एक रेखा बनाएंगे तो वाई बराबर दो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप देखिए वाई बराबर चार ये वाली रेखा भी बनाएंगे तो वाई बराबर चार आपके पास देखो कुछ इस तरीके से रेखा आ जाएगी। इसका मतलब देखो ये चार हो गया और ये आपके पास दो हो गया। अब आपने देखा देखो ये वाला भाग भी आ रहा है और ये वाला भाग भी घिरा हुआ है, लेकिन यहां आप क्लियरली देख सकते हैं आपको बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में ही आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं प्रथम चतुर्थांश में आपके पास कौन सा भाग है। तो प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं आपके पास ये वाला भाग है जिसको मैंने यहां पर देखिए हरे रंग से समझा रहा हूं, ये वाला भाग बेसिकली प्रथम चतुर्थांश में यही वाला भाग होगा, तो आपको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखो हमने आपको समझाया था कि जब भी वाई एच से घिरा हुआ भाग होगा तब आप क्षेत्रफल अर्थात एरिया के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स डी वाई, ये तब लिखते हैं जब वाई एच से घिरा क्षेत्रफल हो। और पहले और दूसरे प्रश्न में वहां पर एक्स अच्छे से घिरा क्षेत्रफल माना था इसलिए हमने वहां वाई डी एक्स लिखा था, ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो चूंकि यहां पर वाई अच्छे से घिरा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो आपने एक्स डी वाई लिख दिया। यहां पर हम लिमिट लिखते हैं क्या क्या आपके पास लिमिट अर्थात सीमाएं आएंगी। तो देखिए वाई से घिरा क्षेत्रफल है तो सबसे पहले आप एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आपके पास देखो ये क्षैतिज रेखा आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि जो आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो किस तरीके से कवर होगा इस पट्टी द्वारा। अब इस पट्टी द्वारा ये तभी कवर होगा जब ये पट्टी ऊपर नीचे मूव करती रहेगी अर्थात घूमती रहेगी दो से चार के बीच में, तभी तो ये पूरा क्षेत्रफल को कवर कर पाएगी जो आपको ज्ञात करना है। तो आपको सीमाएं तुरंत पता लग गई, ये दो से लेकर चार के बीच में घूमती रहेगी, तो आप लिखेंगे यहां दो यहां चार। देखिए यहां डी वाई रहेगा ही रहेगा। अब देखते हैं यहां एक्स की जगह क्या लिखेंगे, तो चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई है तो एक्स का मान यहां पर आ जाएगा देखिए प्लस माइनस दो अंडर रूट वाई के बराबर। अब बात आती है कि आपको प्लस का दो लिखना है या माइनस का दो के साथ लिखना है। तो यहां पर आप देखो आपको प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालने को बोला गया है तो आप यहां पर प्लस की जगह लिख देंगे दो अंडर रूट वाई अर्थात प्लस वाला ले लिया आपने एक्स का मान। तो अब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखिए ये दो को तो आप बाहर ले लीजिएगा क्योंकि ये अचर राशि है, ये आपके पास सीमाएं हो गई दो से लेकर चार तक, y की घात एक बटे दो डी वाई क्योंकि अंडर रूट वाई को आप y की घात एक बटे दो लिख सकते हो। फिर आप देखो ये दो आ गया दो से लेकर चार, अभी चलिए मैं इसको समाकलन कर ही देता हूं क्योंकि आपने निश्चित समाकलन तो पढ़ा ही है। y की घात एक बटे दो का समाकलन करेंगे तो आएगा y की घात तीन बटे दो बटे तीन बटे दो, और देखिए ये आपके पास आ गया दो से लेकर चार तक सीमा। अब देखिए दो, अब ये तीन बटे दो जो है ये अचर राशि है तो आप इसको बाहर ले लेंगे तो ये जब लिखोगे ढंग से तो ये दो बटे तीन आ जाएगा। अब फिर आप देखिए आपके पास बचा है y की घात तीन बटे दो, दो से लेकर चार तक, फिर देखिए दो का गुणा दो से करेंगे तो ये चार आ जाएगा बटे तीन आपके पास चल ही रहा है, यहां पर आप लिखेंगे चार की घात तीन बटे दो माइनस दो की घात तीन बटे दो, देखिए चार बटे तीन आ गया। चार की घात तीन बटे दो अर्थात चार की घात तीन पहले आप कर लीजिएगा ये आपके पास आ जाएगा चौंसठ,
और फिर 1/2 करेंगे। तो चलिए मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, तो 64 की घात 1/2 लिख दिया। पहले 2 की घात 3 कर लेते हैं तो ये 8 आ गया, फिर 1/2 कर देंगे हम घात। अब देखिए 1/2 जब भी घात हो इसका मतलब होता है कि हमें वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल आपके पास 8 आ जाएगा, माइनस 8 का वर्गमूल यदि आप निकालेंगे तो वो आपके पास 2√2 आ जाएगा। और अब आप देखिए आसानी से गुणा कर सकते हैं, तो 4 का यदि हम गुणा करें, देखो 1/3 तो बाहर ही रखो आप, 4 का गुणा कर देते क्योंकि 4 अंश में है, तो 4 का 8 से गुणा करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा, माइनस 4 का गुणा 2√2 से करेंगे तो आपके पास 8√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर हो जाएगा। और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक आपको लिखना होगा, तो वर्ग मात्रक लिखें या वर्ग इकाई, कुछ भी आप यहां से लिख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। आपको यहां पर बोला गया है कि दीर्घवृत्त x2/16 प्लस y2/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको दीर्घवृत्त की आकृति पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके का बनता है। तो यहां पर देखिए दो तरीके के दीर्घवृत्त हो सकते हैं, पहले मैं आपको उनको समझा देता हूं। तो यदि आपके पास कुछ इस तरीके का दीर्घवृत्त है x2/a² + y2/b² = 1, जहां पर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तब देखिए इसका जो आपके पास आकृति बनती है वो कैसी बनती है। क्योंकि देखिए यहां पर ए स्क्वायर बड़ा है अर्थात एक्स स्क्वायर के जो नीचे हर लिखा है ये बड़ा है, तो आपके पास जो दीर्घवृत्त बनता है वो एक क्षैतिज दीर्घवृत्त कहलाता है। तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा, अर्थात ये जो दूरी होगी ये दूरी होती है 2a और ये दूरी होती है 2b। इसका मतलब ए बी से बड़ा होगा तो 2a 2b से बड़ा होगा, तो ये क्षैतिज हम बोलते हैं इसे। एक दूसरे तरीके का दीर्घवृत्त आपके पास होता है जिसमें आपके पास होता है दीर्घवृत्त है x2/a² + y2/b² = 1, लेकिन यहां बी स्क्वायर बड़ा होता है ए स्क्वायर से, अर्थात वाई के नीचे जो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर के नीचे वो बड़ा होता है। तो समझ लेते हैं कि इसका ग्राफ आपके पास किस तरीके से बनता है। तो जब ये दीर्घवृत्त आप बनाते हैं तो इसका ग्राफ आपके पास एक ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त कहलाता है, तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास बनता है। अर्थात ये देखो ये दूरी तो 2b होती है, ये तो आपने सीखा ही है, और ये जो दूरी होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये होती है आपके पास 2a, तो 2b 2a से बड़ी होती है, या आप बोल सकते हैं b a से बड़ी होती है, तभी तो b स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा आएगा। तो आपके दोनों ग्राफ पता लग गए कि किस केस में कौन सा ग्राफ आपके पास बनता है। तो सबसे पहले तो जब आपने इतना सीख लिया, फिर आप देखिए यहां पर अगर हम गौर करें तो आपके पास जो दीर्घवृत्त है वो है x2/16 + y2/9 = 1, अर्थात एक्स स्क्वायर के जो नीचे है वो वाली राशि आपके पास बड़ी है, अर्थात 16 स्वाभाविक सी बात है 9 से बड़ी है। तो आपके पास देखो पहला वाला केस बनेगा अर्थात क्षैतिज दीर्घवृत्त का। चलिए तो अब हम यहां पर क्षैतिज दीर्घवृत्त सबसे पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम एक्स एच और वाई एच बना लेते हैं, ये आपके पास हो गया एक्स एच, अभी मैं एक्स एच और वाई एच बना देता हूं। तो आपके पास कुछ इस तरीके से दीर्घवृत्त देखो बन गया। अब बात आती है कि ये बिंदु क्या होते हैं, तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ये बिंदु होता है a,0 वाला। तो देखो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो a स्क्वायर 16 है, b स्क्वायर 9 है, और a और b हमेशा धनात्मक होते हैं, तो a का मान आएगा 4,0, तो ये होता है a,0 अर्थात 4,0 आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर 16 है तो a का मान 4 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप ये बिंदु निकालते हो ये आता है -a,0 अर्थात -4,0 हो जाएगा। फिर आप देखिए जब आप ये बिंदु निकालते हैं तो ये होता है 0,b और इसी तरीके से ये होता है 0,-b। तो अब देखिए अगर आप इसको एक्चुअल में निकालते तो देखिए ये आ जाता है 0,b² चूंकि 9 है तो b का मान ±3 हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है a और b हमेशा धनात्मक होते हैं, तो b का मान आपके पास 3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहां पर 0,-3 हो जाएगा। तो आपके पास ये चारों बिंदु मिल गए, 0,3, 4,0, 0,-3 और -4,0। अब आपको घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो स्वाभाविक सी बात है देखिए घिरा हुआ क्षेत्रफल आपके पास कुछ इस तरीके से ये पूरा क्षेत्रफल
आ जाएगा, जिसको देखिए मैं यहाँ पर पीले रंग से रंग रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला भाग आपके पास घिरा हुआ आया है पूरी आकृति के बीच में, तो आपको यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं उसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो यहां पर देखिए हम सिमेट्री का यूज करेंगे। अब देखते हैं सिमेट्री का यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पर हम देख रहे हैं कि देखो चार भाग बने, हर चतुर्थांश में छोटा छोटा भाग बना। देखो एक भाग ये बना चतुर्थांश में पहले में, दूसरे चतुर्थांश में ये वाला भाग, तीसरे चतुर्थांश में ये वाला भाग और चौथे चतुर्थांश में ये वाला भाग। चलिए मैं इसको थोड़ा नाम भी दे देता हूं। तो ये मान लीजिएगा ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। तो देखो जो ओ ए बी वाला भाग है अर्थात ये वाला भाग, ओ बी सी मतलब ये वाला भाग, ओ सी डी ये वाला भाग और ओ ए डी ये वाला भाग, ये चारों भाग सममिति के आधार पर आप बोल सकते हैं कि सभी बराबर होंगे। तो अब आप किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और चार का गुणा कर देंगे, क्योंकि चारों आपस में बराबर हैं। तो चारों को जोड़ेंगे, इसका मतलब एक भाग का आप मान निकाल लीजिएगा, फिर चार का हम गुणा कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब क्षेत्रफल के लिए आप देखिए आपके पास दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि जब भी एक्स अक्ष की तरफ ग्राफ आ रहा हो, एक्स अक्ष पर घिरा हुआ ग्राफ आ रहा हो, तो आप लिख सकते हैं y dx। अब हमें कैसे पता लगेगा x अक्ष पर ग्राफ आ रहा है? तो आप देखो यदि आप OAB का क्षेत्रफल लिख लो, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा OAB का क्षेत्रफल। तो देखो ये 4 तो 4 चलता ही रहेगा। अब OAB का मतलब क्षेत्रफल आपको कुछ इस तरीके से यदि आप लिखें इसे, तो ये आपके पास देखो एक पट्टी बन गई, ये पट्टी इधर से इधर तक मूव करती रहेगी, अर्थात 0 x के मान देखो यहां 0,0 का अर्थात x 0 और यहां पर देखो x का मान 4 है, तो ये 0,4 से मूव करता रहेगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1, ये आपके पास 9 है। अब यहां पर y का मान आपको लगाना होगा, तो देखिए वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, और तो वाई स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9 बटे 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर लाथापा ले लिया आपने, तो वाई का मान आपके पास हो गया 3/4, वर्गमूल निकालना होगा तो अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अब देखिए आप मान लगाएंगे तो ये आ गया 4, 0 से लेकर 4 तक वाई डी एक्स, वाई का मान आप ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से आप देखो 3/4 ये तो एक अचर राशि है, इसको तो आप बाहर ले सकते हैं, तो 4 गुणा 3/4 ये तो बाहर आ गया, 0 से लेकर 4 तक अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आपके पास आ गया है। फिर आप देखिए 4 से ये 4 तो कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखो ये 3 बचा है, अब आपको इसका समाकलन करना है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन 0 से लेकर 4 इस सीमा के बीच में करना है। अब यहां पर देखिए ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझा देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए कि आपने क्या फॉर्मूले पढ़े थे। आपने पढ़ा था जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो, अभी मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं अर्थात यहां पर मैं सीमाएं नहीं लगा रहा हूं, तो यहां पर ये आपके पास होता है एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन, यहां मैं अलग से लिख देता हूं ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये आपके पास बराबर होता है प्लस सी आ जाता है। लेकिन चूंकि अब देखो ये भले ही मैंने यहां पर तो लिख दिया प्लस सी आएगा, लेकिन एक्चुअल में तो आप निश्चित समाकलन कर रहे हैं, तो यहां पर प्लस सी अर्थात कॉन्स्टेंट का कोई यूज है ही नहीं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं यहां पर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स बटे 2, तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 2, तो देखो ए स्क्वायर कंपेयर करोगे तो 16 के बराबर है, तो ए स्क्वायर बटे 2 अर्थात 16 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, चूंकि ए स्क्वायर 16 है तो ए का मान 4 आ जाएगा, और यहां पर आप लिख देंगे 4 और ये 0 आ गया। फिर आप देखिए इसको थोड़ा सरल करेंगे, देखो 3 तो ये चलता ही रहेगा। अब आप सबसे पहले उच्च सीमा लगाएंगे, तो 4/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, प्लस
16 बटे दो साइन इनवर्स 4 बटे 4 यह आपने लगा दिया उच्च सीमा माइनर। अब आप निम्न सीमा लगाएंगे तो x का मान 0 लगाओगे हर जगह, 0 बटे 2 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 0 और फिर आ जाएगा ये देखिए प्लस 16 बटे 2 साइन इनवर्स x बटे 4 है लेकिन x की जगह तो आपको निम्न सीमा अर्थात 0 लगाना है तो 0 बटे 4 आ गया और यहां पर आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो अभी आप देखो यहां से 16 माइनस 16 ये तो 0 हो गया तो 0 का गुणा किसी से भी करेंगे तो ये 0 ही आएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 आ गई। देखो 0 का गुणा इससे करेंगे ये भी 0, 0 बटे 4 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 होता है ये भी हो गया 0। तो आपके पास देखो ये 3 चल रहा है बाहर, केवल ये वाला पद बचा है तो ये देखो 2 से 16 ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा आप देख सकते हो। तो ये आ गया आपके पास 8 गुणा साइन इनवर्स 1 क्योंकि 4 बटे 4 तो हमेशा 1 होता है। तो इस तरीके से देखो 3 का 8 से गुणा करेंगे तो 24 गुणा। अब साइन इनवर्स 1 आपको करना है तो ध्यान रखें साइन इनवर्स 1 का मान आपके पास पाई बटे 2 होता है तो यहां से आप इसकी जगह पाई बटे 2 लगा देंगे तो ये आपके पास आ गया। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास 12 पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपके पास 12 पाई वर्ग इकाई हो जाएगा। अब देखिए इसको हम एक तरीके से आपको और समझा देते हैं कि आखिर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं मेथड 1 है ये आपके पास। अब हम मेथड 2 सीखते हैं कि आखिर मेथड 2 को हम कैसे कर पाएंगे। मेथड 2 में जब आप क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो देखो चार भाग बराबर हैं तो 4 गुणा किसी एक छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो छोटा भाग मान लीजिएगा ओ ए बी ही आपने मान लिया, देखो यहां पर 4 गुणा। अब यहां पर ओ ए बी का क्षेत्रफल लिखना है तो अब देखिए दूसरे मेथड से हम कैसे लिखेंगे थे। आपने देखा कि चूंकि ये स्ट्रिप आपने एक्स ये जो भाग है ओ ए बी वाला ये वाला भाग ये देखो एक्स अक्ष से भी घिरा हुआ है तो आपने वाई डी एक्स लिख दिया। लेकिन अगर आप देखें ये तो वाई अक्ष से भी घिरा हुआ भाग है, देखो ये वाई अक्ष है तो जब इससे घिरा हुआ भाग अगर आपको देखा तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर इसको हम मैं इसको पट्टी को यहां पर देखो ये पूरा भाग हमें निकालना था क्षेत्रफल ये वाला भाग। अब मैं यहां पर ध्यान रखना कि मेथड 2 के लिए चित्र बना रहा हूं तो मैं यहां पर देखो अब क्षैतिज पट्टी बनाऊंगा। देखिए क्षैतिज पट्टी कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगी। अब देखो मैं ओ ए बी का क्षेत्रफल लिखना चाहता हूं तो क्षैतिज पट्टी ऊपर नीचे ही तो घूमेगी तभी तो ये पूरे इस भाग को कवर कर पाएगी। तो इस तरीके से देखो जब आपको सीमा लगानी होगी 0 से लेकर 3 तक की लगानी होगी और अब आप वाई डी एक्स के बजाय यहां पर एक्स डी वाई लिखेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 0 से 3 एक्स डी वाई। तो अब आपको समझ में आया कि आपने यहां पर वाई डी एक्स और एक्स डी वाई दोनों प्रयोग में ले लिए थे क्योंकि यहां पर वाई अक्ष से भी घिरा हुआ था वो वाला भाग और एक्स अक्ष पर भी घिरा हुआ था इसलिए। तो अब देखिए 4 गुणा 0 से लेकर 3 आपके पास जो दीर्घवृत्त है वो है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1। तो यहां से अब x है इसका मान आपको निकालना होगा, dy आपके पास जैसा है वैसा रहेगा ही। तो देखिए यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, एक्स स्क्वायर बराबर 16 बटे 9 9 माइनस वाई स्क्वायर और लासापा ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा 4 बटे 3 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से आपने देखो x का मान निकाल लिया अलग से, यहां पर आप मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे 3 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जब आपने इतना लिख लिया अब इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अर्थात समाकलन कर सकते हैं। तो देखो 4 बटे 3 ये तो एक अचर राशि है, 4 पहले से है तो 4 गुणा 4 बटे 3 तो ये आपने लिख दिया क्योंकि 4 बटे 3 को आपने बाहर निकाल लिया। फिर आपके पास बचा है 0 से लेकर 3 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो देखिए 4 गुणा 4 बटे 3 अर्थात 16 बटे 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम अभी हमने देखो यहां पर फॉर्मूला सीखा भी था ये वाला फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं इसको लिखता हूं तो ये आपके पास आता था y बटे 2 अंडर रूट में जैसा है वैसे ही लिख देंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 तो ए स्क्वायर यही वाला भाग होता है तो 9 बटे 2 साइन इनवर्स यहां पर आ जाएगा y बटे ए, ए का मान
तीन हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर नो है, और यहां पर आप सीमा लगाएंगे तो जीरो से लेकर तीन आपके पास हो जाएगा। चलिए तो ये देखो 16/3 आ गया। अब देखो वाई का मान तीन लगाओगे क्योंकि उच्च सीमा तीन है, तो सबसे पहले तीन लगाओगे, 3/2 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर देखो 9 हो जाएगा प्लस 9/2 साइन इनवर्स, ये देखो 3/3 आ गया, ये आपने उच्च सीमा लगा दी माइनस। अब आप देखिए निम्न सीमा लगाएंगे, निम्न सीमा अर्थात वाई का मान जीरो लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 0/2 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर अर्थात जीरो प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। अब फिर आप गौर करेंगे देखो 9 माइनस 9 ये जो जीरो बन गया पूरा, ये देखो जीरो का गुणा है ये भी जीरो, साइन इनवर्स जीरो हमेशा जीरो होता है ये भी जीरो बन गया, केवल ये वाला भाग रह गया, तो ये आ जाएगा 16/3 गुणा 9/2। अब देखिए साइन इनवर्स 3/3 अर्थात साइन इनवर्स 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 तो आप जानते ही ये पाई 2 के बराबर होता है, तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 बार, तो 8 गुणा 3 गुणा साइन इनवर्स 1 अर्थात पाई 2। देखिए 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 हो गया, तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा 12 पाई, और यहां पर आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेथड 2 से भी जब आपने क्षेत्रफल निकाला है तो आपके पास 12 पाई वर्ग इकाई के बराबर आया है। तो आप चाहे किसी भी मेथड से करें आपका उत्तर हमेशा सेम ही आएगा, बस ध्यान रखें आप मेथड बिल्कुल सही लगा रहे हो। अब यहां पर हम एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं कि आखिर अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है क्षेत्रफल निकालने का तो हम कैसे जल्दी से निकालेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई ए बी के बराबर। ध्यान रखें ए और बी हमेशा धनात्मक होती हैं। यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि ए स्क्वायर बड़ा है या बी स्क्वायर, कुछ भी हो आपके पास, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, कुछ भी हो आपके पास क्षेत्रफल हमेशा पाई ए बी ही आएगा। जैसे इस प्रश्न में यदि मैं देखूं, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको आप कंटस्थ रखें। प्रश्न था आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना था। तो देखिए यहां से ए स्क्वायर बराबर 16 आया, तो यहां से आप देख रहे हैं ए का मान 4 आ जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 9 आया है, तो यहां से बी का मान आपके पास 3 आ जाएगा। तो आप देखो डायरेक्ट किसी परीक्षा में प्रश्न आया होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे पाई गुणा ए गुणा बी, ये देखो हल करने पर 12 पाई ही आएगा। तो यहां पर हमने आपको शॉर्टकट अर्थात एक फॉर्मूला भी बताया कि किसी भी परीक्षा में जल्दी से आप हल कर सकते हैं, और दोनों जो प्रॉपर मेथड है उनसे भी आपने आपको यहां पर हल करना सिखा दिया है। प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं। अब हम यहां पर आपको बोला गया है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको फिर दिखा कि एक दीर्घवृत्त है, यहां पर देखो वाई स्क्वायर के नीचे वाला भाग बड़ा है, तो जो आपके पास दीर्घवृत्त आएगा वो आपके पास ध्यान रखें एक क्षैतिज दीर्घवृत्त सॉरी एक ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त आपके पास आएगा। तो यहां पर देखो मैं ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त बना देता हूं, तो ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम देख लेते हैं ये बिंदु होता है 1,0 और यहां पर देखो ए स्क्वायर 4 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे जो होता है उसे हम ए स्क्वायर बोलते हैं, और जो वाई स्क्वायर के नीचे हर में लिखा होता है उसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं। तो ए स्क्वायर 4 है तो 1,0 ये वाला बिंदु हो जाएगा 2,0, ये होता है -1,0 अर्थात ए का मान तो 2 है तो ये -2,0 आ गया। बी स्क्वायर 9 है तो बी का मान 3 आ जाएगा, ये होता है 0,b अर्थात 0,3 आ गया। और ये वाला बिंदु आपके पास होता है 0,-b, ये 0,-3 आ गया। तो अगर हम इन बिंदुओं को कुछ नाम दे दें तो देखिए ये 0, ये मान लीजिए 0 नहीं O, ये A, B, C और ये D। तो आप देख रहे हैं चारों भाग सममित होते हैं अर्थात सिमेट्री होती है, किसी एक भाग का आप क्षेत्रफल निकाल लो और 4 का गुणा कर दो। तो सबसे पहले तो घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल आप देख सकते हो आपके पास ये वाला क्षेत्रफल है घिरा हुआ, आपको इस क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है।
तो अब देखो हम किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा यहां पर हम पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 गुणा किसी एक भाग का क्षेत्रफल। तो किसी एक भाग में आप ओ ए बी ले सकते हो, तो यहां लिख सकते हो ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब हमने आपको बताया था ओ ए बी, देखो ये एक्स अक्ष पर भी घिरा हुआ है और ये वाई अक्ष पर भी घिरा हुआ है, तो आप यहां पर एक्स डी वाई या वाई डी एक्स कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे पिछले प्रश्न में मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था, यहां पर मैं आपको एक ही तरीके से कर देता हूं, आप दूसरे तरीके से खुद से कर सकते हैं। तो यहां पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी पट्टी लें। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर एक क्षैतिज पट्टी ले ली, क्षैतिज पट्टी कुछ इस तरीके से होगी। अब देखिए ओ ए बी का क्षेत्रफल यदि आपको कवर करना है, तो इसका मतलब ये क्षैतिज पट्टी ये ऊपर नीचे चलनी चाहिए, तभी तो ये पूरा एरिया कवर होगा। अर्थात ये 0.0 वाला बिंदु होता है, ये पट्टी 0 से लेकर b अर्थात 0 से लेकर 3 तक चलनी चाहिए। देखो 4 गुणा 0 से लेकर 3 ये y की सीमाएं तो ही होगा 0 और 3। तो यहां पर आप लिखोगे जिसकी सीमाएं होती हैं आप उसके संग dy या dx जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं। तो y की सीमाएं थी तो dy लिख दिया, यहां पर फिर x आ जाएगा। तो देखिए 4 गुणा 0 से लेकर 3, अब x का मान निकालेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1 है। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4 बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान आपके पास आ जाएगा 2 बटे 3 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से आपके पास ये मान आ चुका है। तो अब देखिए यहां पर हम एक्स का मान लगा देते हैं, तो ये आप लिख दोगे 2 बटे 3 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब 2 बटे 3 तो एक अचर राशि है, तो आप इसको तो बाहर लेके आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2 बटे 3 जीरो से लेकर 3 तक अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये देखिए ये सिंपल सा समाकलन है, बस सीमाएं लगा देंगे तो निश्चित समाकलन बन गया। तो इसका तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है। तो देखो सबसे पहले ये हल करोगे तो 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8 बटे 3 आ गया। सीमाएं हम बाद में लिखेंगे, पहले इसका समाकलन लिख देते हैं। फॉर्मूला जो था ये होता है फॉर्मूला वाई बटे 2 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर, जैसा लिखा होता वैसे लिख दिया आपने अंडर रूट में, प्लस ए स्क्वायर बटे 2। तो ए स्क्वायर ये 9 होता है तो 9 बटे 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन ए होता है, वाई की जगह तो वाई हो गया, ए क्योंकि ए स्क्वायर 9 है तो ए की जगह 3 आ गया। और यहां पर आप सीमाएं निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 3 आपने लिख दी है। अब देखिए ये हो जाएगा 8 बटे 3। सीमाएं लगाओगे तो देखो 3 लगाओ तो 3 बटे 2 अंडर रूट में 9 माइनस वाई की जगह 3 लगाना है तो वाई स्क्वायर है तो 9 आ गया, प्लस 9 बटे 2 साइन इनवर्स ये आ गया 3 बटे 3 माइनस। अब देखो निम्न सीमा लगाओगे तो वाई का मान 0 लगा दो हर जगह, तो ये 0 बटे 2 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास 0 है ध्यान रखें, प्लस 9 बटे 2 साइन इनवर्स वाई का मान 0 लगा दिया आपने यहां पर भी। अब देखिए इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो देखो ये 9 माइनस 9 है तो ये 0 बना, 0 का गुणा किसी से भी करेंगे तो पूरा 0 बन गया। इसी तरीके से देखो 0 बटे 2 0, इसका गुणा किसी से भी करोगे 0, साइन इनवर्स 0 बटे 3 अर्थात 0 हो गया, तो ये 0 ही आता है हमेशा, केवल आपके पास ये वाला भाग बचा है। तो ये हो जाएगा 8 बटे 3 गुणा 9 बटे 2 क्योंकि बाकी सब तो 0 हो गए तो गुणा कर दीजिएगा, साइन इनवर्स 3 बटे 3 आपके पास होता है 1 के बराबर। तो यहां से देखिए आपके पास ये हो जाएगा 72/6 क्योंकि 8 का गुणा 9 से किया तो 72 और 3 का गुणा 2 से किया तो 6, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बटे 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा 72π/12 है, या जिसको हल करने पर ये आ जाएगा 6π² इकाई। तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर देखो दूसरे वाले भाग से जिसमें आपको अगर ऊर्ध्वाधर पट्टी लेनी है वो आप खुद से कर सकते हैं। यहां पर बस मैं आपको एक बार शॉर्ट से और बता देता हूं कि ताकि आपको थोड़ा और वेरीफाई हो सके। तो यहां पर शॉर्टकट आपने देखा था कि क्षेत्रफल जो होता है दीर्घवृत्त का वो होता है पाई ए बी के बराबर। अब देखो चूंकि यहां पर देखा आपने ए स्क्वायर तो 4 के बराबर था और बी स्क्वायर 9 के बराबर था, आप देख सकते हो जो एक्स स्क्वायर के नीचे होता है वो ए स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होता है। तो यहां से देखो ए स्क्वायर 4 है तो ए का मान 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, और बी स्क्वायर 9 है तो बी का मान 3 आ जाएगा आपके पास, धनात्मक ही लेते हैं हमेशा ध्यान रखें। तो देखो क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा पाई, ए का मान 2 और बी का मान 3,
देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 × 3 अर्थात 6 × π अर्थात 6π। तो इस तरीके से शॉर्टकट से भी आपने देखा तो आंसर आपके पास हमेशा समान ही आएगा। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। आप बस इसमें एक बात और ध्यान रखें, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि कभी कभी हो सकता है कि आप कभी लिमिट कुछ ऊपर नीचे कर दें, जैसे हो सकता है कभी आप जल्दबाजी में 0 से 3 की बजाय 3 से 0 कर दें। तो अगर कहीं पर आपका क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है तो ध्यान रखें क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा हमें धनात्मक मान ही लिखना होता है। जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर अगर हमने कुछ दिक्कत कर दी होती और क्षेत्रफल हमारे पास -6π आ जाता, तो हमेशा ध्यान रखें माइनस कभी नहीं हो सकता, तो क्षेत्रफल आपका 6π ही आएगा। प्रश्न संख्या 6 को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x√3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहां पर आप देखो आपके पास एक वृत्त है x² + y² = 4। यहां पर देखिए मैंने एक वृत्त बना दिया x² + y² = 4। अब मैं x अक्ष और y अक्ष बनाता हूं। वैसे तो पहले तो आपको x अक्ष और y अक्ष बनाना चाहिए, चूंकि यहां पर मैं किसी भी पेन का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहां पर पहले वृत्त बना दिया है। तो ये आपके पास देखो हो गया y अक्ष और ये आपके पास इस तरीके से x अक्ष हो गया। तो आपने वृत्त तो बना दिया, ये आपके पास हो गया वृत्त x² + y² = 4। फिर आपको बोला गया कि रेखा जो है वो है x√3y। तो x√3y कोई भी रेखा बनाने के लिए आपको 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो यहां पर देखो एक बिंदु तो 0,0 इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात रेखा यहां से जा रही होगी मूल बिंदु से 0,0 से। अब x√3y है तो यहां पर आप एक रेखा और बना देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ये एक रेखा हो जाएगी। ये मान लीजिएगा आपके पास हो गई x√3y। बिल्कुल आपको ध्यान रखें, मैंने आप पहले ही बोला कि आपको A to Z सब चीजें नहीं देखनी है कि आखिर कितना ये झुकाव होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि चांदी से बनाना है, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए किस तरीके से रेखाएं होंगी। तो अब यहां पर समझ लेते हैं कि ये बिंदु कौन सा होगा जहां पर ये कट कर रही होगी। तो ये जो बिंदु है वो स्वाभाविक सी बात है इस वृत्त और इस रेखा का कटान बिंदु है, अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो आप इन दोनों को हल करके इनका मान निकाल सकते हैं। चलिए तो देखिए इनको हल करते हैं। तो x की जगह √3y यहां पर लिख देते हैं। तो √3y का होल स्क्वायर प्लस y² = 4 आ गया। देखो 3y² आ गया ये प्लस y² = 4, तो 4y² = 4 आ गया। तो y² = 1 आ गया। तो y का मान यहां पर आपके पास ±1 आ जाएगा। अब आपने देखा ये तो एक ही बिंदु है, तो ये आपके पास y का मान 1 आया है। ध्यान रखें -1 कौन सा मान होगा, तो -1 आप देखो यहां पर भी कट कर रहा है, तो ये -1 हो गया। लेकिन भले ही आपने 1 और -1 निकाल तो लिया, आपने इस चित्र में भी देख लिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको जो बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में ही आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो प्रथम चतुर्थांश वाले बिंदुओं पर ही आप ज्यादा गौर करें। अब देखिए वाई का मान यदि आपके पास 1 आ गया तो आपको तो एक्स का मान भी निकालना होगा, तो आप इसमें रख दो। तो x = आपके पास हो जाएगा √3 × 1 अर्थात √3। इसका मतलब आपके पास ये पूरा बिंदु आ चुका है √3, 1 अर्थात √3 आपके पास देखो ये हो जाएगा। अब आपको पता लग गया कि इस रेखा द्वारा और इस वृत्त द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है, और वो भी आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, तो वो जो क्षेत्रफल आपके पास होगा देखो ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं यहां पर इसको देखो गुलाबी रंग से बना रहा हूं समझाने के लिए। तो आपके पास देखो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको इस पूरे क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। अब देख लेते हैं इस क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखो ये जो भाग है वो एक्स अक्ष पर घिरा हुआ है, तो यहां पर आप जब क्षेत्रफल लिखेंगे, अगर आप बिंदु लिखना चाहते हैं तो देखो जैसे ये ओ हो गया 0,0, इसको आप ए बोल दीजिएगा, इसको बी बोल दीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी आप बिंदु ले सकते हैं। तो जो क्षेत्रफल होगा बेसिकली वो आपको लिखना है ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही तो आपके पास आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए ओ ए बी का क्षेत्रफल यदि आप लिखोगे, तो चूंकि एक्स अक्ष पर घिरा बना हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे
एक्स सॉरी वाई डी एक्स। यहां पर आप लिमिट लगाएंगे ए से लेकर बी, भले हमें ए और बी नहीं पता लेकिन ये तो लिखने का तरीका था तो मैंने लिख दिया। अब आप देखो वाई डी एक्स एक्स अक्ष पर घिरा है तो आप हमेशा ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाते हैं, आपने देखा था ये पहले के प्रश्नों में भी। अब देखिए इस क्षेत्रफल जो आपको निकालना है उसको कवर करने के लिए आपको इस पट्टी को दाएं बाएं चलना होगा, अर्थात x का मान देखो 0 से लेकर अंडर रूट 3 तक चलना पड़ेगा। यहां पर एक बात आप और गौर करें कि जब आपने 0 से लेकर अंडर रूट 3 तक जाएंगे तो इस कर्व की परिभाषा चेंज हो रही है, यहां पर आप इस बात को थोड़ा ढंग से समझें। तो यहां पर जो OAB का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, अब चूंकि अगर आप YDX लिखोगे तो देखो यहां से लेकर यहां तक जाने में अगर इस बिंदु को आप C बोल देते हैं तो OBC आपके पास आ रहा है, प्लस आपके पास आ रहा है ABC का क्षेत्रफल। तो यहां से मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आप A बिंदु को लिखते तो याद आता था 2.0, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 ये वृत्त है तो 2 त्रिज्या हो जाएगी तो 2.0 आ गया बिंदु A। अब यहां पर सवाल उठ सकता है कि आखिर हमने एक ही मान क्यों नहीं लिखा, सीधे हम YDX लगा सकते थे। तो आप देख रहे हो जब आप OBC में जा रहे हैं तो देखो ये अलग कर्व है, जब ACB में जाएंगे तो देखो ये अलग कर्व आने लगेगा क्योंकि यहां लाइन है और यहां पर लाइन नहीं आएगी। जब आप यहां पर देखोगे तो देख सकते हो आप, तो ये अलग अलग कर्व है इसलिए आपको इनको अलग अलग लिखना होगा क्योंकि परिभाषा चेंज हो रही है वक्रों की। तो यहां से सबसे पहले आप OBC का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब OBC का क्षेत्रफल, OBC तो आप देखो आपके पास ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90° होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार, आधार मतलब OC, लंब, लंब मतलब BC, प्लस अब ABC का क्षेत्रफल आप देखिए, ABC का क्षेत्रफल आप लिखेंगे YDX, क्योंकि अगर आप ऊर्ध्वाधर पट्टी बना रहे हैं क्योंकि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा है तो YDX लिख दिया और ये सीमा A से लेकर B तक हो गई। अब आप ये देखो कि 1/2 OC आप देख सकते हैं, OC ये आपके पास 0 है, ये अंडर रूट 3.0 है तो दूरी इनके बीच की अंडर रूट 3 हो जाएगी। BC, BC मतलब ये वाली दूरी है आपके पास, तो ये BC वाली दूरी देखो ये आपके पास ये हो जाएगी 1, तो ये 1 कर दिया आपने। प्लस अब देखते हैं A और B आखिर सीमाएं आपके पास क्या क्या हैं। तो यहां से आप देखो अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक इस पट्टी को चलना पड़ेगा तभी तो ये पूरी पट्टी कवर कर पाएगी। तो ये देखो ये पट्टी पूरा कवर करना होगा तो अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक चलना होगा, तो निम्न सीमा अंडर रूट 3 और उच्च सीमा आपने 2 यहां पर लगा दी। अब देखते हैं वाई डी एक्स है तो वाई का मान आपके पास क्या आएगा, तो यहां से देखो आपको वाई का मान लिखना होगा लेकिन जो आपके पास वक्र है अर्थात जो वृत्त है वो तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो यहां पर मैं देखो साइड में कर देता हूं, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और देखिए आपको y का मान लिखना है तो y का मान यहां से आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का मान अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा वाई डी एक्स, वाई का मान अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो ये तो आपने देखा, ये तो आपके पास आ गया अंडर रूट का 3/2, आप देख सकते हैं इनको हल कर। प्लस अब देखिए इसका हम समाकलन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये समाकलन का फॉर्मूला आपके पास होता था एक्स 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसा है वैसा लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ए का मान 2 हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर होता है ये 4, तो ए स्क्वायर 4 है तो ए का मान 2 आ गया और यहां आपने अपने सीमाएं लगा दी 2 अंडर रूट 3। फिर आप देखिए यहां से आप सीमाएं लगाएंगे तो अंडर रूट 3/2 तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, सबसे पहले 2 लगाओगे उच्च सीमा तो 2/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 4 हो गया क्योंकि एक्स का मान 2 लगाना है आपको उच्च सीमा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स ये आ जाएगा 2/2 माइनस, अब आप निम्न सीमा लगाएंगे पूरे में तो अंडर रूट 3/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स का मान अंडर रूट 3 आप लगा रहे हो तो एक्स स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 4/2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अब देखो आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो अंडर रूट 3/2 ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, देखो 4 माइनस 4 ये 0 हो गया तो ये पूरा वाला भाग 0 हो गया,
दो से दो कट गया तो ये एक, और दो से चार कट गया तो ये दो बचा। तो यहां से आपके पास बचा है दो साइन इनवर्स एक माइनस, देखो चार माइनस तीन एक होता है, एक का वर्गमूल एक आएगा तो अंडर रूट तीन बटे दो ही रहा बेसिकली। ये चूंकि माइनस है तो ये वाला भी माइनस बन गया, चार बटे दो अर्थात दो आ गया, क्योंकि देखो दो से चार दो बार कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स अंडर रूट तीन बटे दो ये आपके पास आ गया है यहां से। अब आप गौर कर सकते हैं कि देखिए अंडर रूट तीन बटे दो प्लस साइन इनवर्स एक हमेशा पाई बटे दो के बराबर होता है, चूंकि दो का गुणा पहले से है तो दो गुणा पाई बटे दो आपने लिख दिया, माइनस अंडर रूट तीन बटे दो हो गया, माइनस दो गुणा साइन इनवर्स अंडर रूट तीन बटे दो ये आपने प्रतिलोम फलन में पढ़ा ही है, ये आपके पास होता है पाई बटे तीन के बराबर। तो यहां से आप ये देखिए आपके पास दो से देखो दो कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा अंडर रूट तीन बटे दो प्लस ये देखो केवल पाई रह गया माइनस अंडर रूट तीन बटे दो माइनस दो पाई बटे तीन आ गया। तो आप गौर करने पर पाएंगे देखो अंडर रूट तीन बटे दो से अंडर रूट तीन बटे दो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अब बचेगा पाई माइनस दो पाई बटे तीन। तो जब आप लासापा लेंगे तो आ जाएगा तीन पाई माइनस दो पाई बटे तीन, क्योंकि लासापा तो तीन आएगा, तो हल करने पर आपके पास आ जाएगा पाई बटे तीन। तो यही आपका उत्तर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा, तो आप वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया है। तो देखिए अब प्रश्न संख्या सात की ओर हम बढ़ते हैं। आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि छेदक रेखा x बराबर a बटे अंडर रूट दो द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको देखो ये वृत्त दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये एक वृत्त बना लेंगे x अक्ष और y अक्ष बना के। तो यहां पर पहले मैंने वृत्त बना लिया है क्योंकि यहां पर मैं कोई भी पैमाने का प्रयोग कर नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने पहले वृत्त बना लिया है ताकि यहां पर हम रफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्स एच वाई एच हमने बाद में बना ली। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि वैसे भी आपको एक रफ ग्राफ चाहिए होता है समझने के लिए। अब ये आपने देखो वृत्त तो बना लिया, ये वृत्त है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अर्थात इसकी त्रिज्या ए हो जाएगी। तो ये जो बिंदु है वो आ जाएगा ए कॉमा जीरो, मैं और भी बिंदु लिख देता हूं जीरो कॉमा ए ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, जीरो कॉमा सॉरी माइनस ए कॉमा जीरो आपके पास ये हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए। अब बोला गया है कि x बराबर a बटे अंडर रूट दो एक रेखा है, तो x बराबर a बटे अंडर रूट दो आपके पास कुछ इस तरीके से देखो एक रेखा हो जाएगी, ये आपके पास हो गई x बराबर a बटे अंडर रूट दो वाली रेखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु अगर आप निकालेंगे तो आएगा a बटे अंडर रूट दो कॉमा जीरो। अब बात आती है कि ये आखिर बिंदु क्या होगा और ये बिंदु आखिर आपके पास क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपको बोला गया कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छोटे भाग का क्षेत्रफल अर्थात छोटा वाला भाग तो आपके पास देखो ये वाला बन रहा है, यदि मैं इसको हरे रंग से बना दूं तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास ये छोटा वाला भाग बन रहा है, तो आपको इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम कुछ बिंदु मानना चाहें तो आप मान सकते हैं, तो जैसे अगर हम इसको मूल बिंदु अर्थात ओ बोल दें, ये हम ए बोल दें, ये बी बोल दें, ये से हम सी बोल दें और इसे हमने मान लो डी बिंदु बोला, तो आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है ए बी सी ए। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल जो अभीष्ट क्षेत्रफल जो आपको ज्ञात करना है वो है आपके पास ए बी डी सी ए का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो आपको पता लग रहा है एक भाग ये और एक भाग ये, और दोनों भाग सममिति से आप बोल सकते हैं बराबर हैं। तो यहां से आप दो गुणा किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल। तो आप हमेशा सममिति का सहारा लेंगे तो आपके पास बहुत आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा, जैसे आपने यहां पर किया। अब बात करते हैं कि ए बी डी का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो देखो ये एक्स अक्ष पर बना हुआ है ये वाला भाग, तो आप जब भी एक्स अक्ष पर भाग बना होता था
तो आपने सीखा था कि आप हमेशा ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाएंगे, तो ऊर्ध्वाधर पट्टी आपके पास कुछ इस तरीके से देखो ये आ जाएगी। तो ऊर्ध्वाधर पट्टी आप देखो ये कुछ इस तरीके से बनाओगे। अब आपको देखना होगा कि ये पट्टी दाई बाई तरफ इधर उधर मूव करेगी अर्थात घूमेगी, तभी तो ये पूरा एरिया कवर कर पाएगी ए बी डी वाला। तो यहां से आप लिख सकते हो दो गुणा, चूंकि आपने ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाई है और जो घूमेगी, तो ये एक्स के मान आप देखो ए बटे अंडर रूट दो से लेकर ए तक जाएंगे, तो ए बटे अंडर रूट दो से लेकर ए तक गए, तो चूंकि एक्स के मान आपके पास बदलेंगे तो यहां पर आपने डी एक्स लिखा, यहां पर आप वाई लिख देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये डी एक्स तो देखो हमने पता है ऐसे ही रहने वाला है, अब ये वाई की जगह हम क्या लिखें? तो आप देखो आपके पास है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वृत्त था, तो वाई का मान यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का मान देखिए आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास ये हो जाएगा दो गुणा ए बटे अंडर रूट दो से लेकर ए तक, वाई की जगह आप ये लिख दीजिएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए जब आपने इतना लिख दिया तो अब देखिए दो गुणा, अब यहां पर हम इसका समाकलन तो जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक बार हम यहां पर लिख देते हैं जल्दी से। ये आपके पास फॉर्मूला होता है x बटे दो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स x बटे a, इसके बराबर होता है। अब यहां पर आप सीमा लगाएंगे तो उच्च सीमा a है और निम्न सीमा a बटे अंडर रूट दो है। तो अब चूंकि देखो आपने समाकलन लिख दिया, केवल आपको सीमाएं लगानी है अर्थात जो x है उसकी जगह a और a बटे अंडर रूट दो लगाना है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं उच्च सीमा लगाते हैं, तो दो गुणा उच्च सीमा यदि आप लगाओगे तो x की जगह आप a लगाओगे, तो ये आ जाएगा a बटे दो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि x की जगह a लगाओगे तो ए स्क्वायर बन गया, प्लस ये देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे ए अर्थात ए बटे ए के बराबर आ गया माइनस। अब चूंकि आपने उच्च सीमा पूरी लगा दी, ए का मान हर जगह लगा दिया, अब आप निम्न सीमा अर्थात एक्स का मान ए बटे अंडर रूट दो लगाएंगे पूरे में, तो देखो ए बटे अंडर रूट दो लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए बटे दो अंडर रूट दो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे दो प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स की जगह ए बटे अंडर रूट दो, और ए पहले से चल ही रहा था आपके पास, तो आपने ये लिख दिया। फिर आप देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जीरो हो गए, तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, ए से ये ए कट गया, यहां से ए से ए कट जाएगा, तो ये आ गया दो, ये तो देखो जीरो बन गया, ये बचा ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक के बराबर माइनस, देखिए ये बन गया ए बटे दो अंडर रूट दो जैसा है वैसे ही लिख दिया, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बटे दो कटाओगे तो ए स्क्वायर बटे दो आएगा, लेकिन वर्गमूल भी आपको निकालना है, तो ये आ गया ए बटे अंडर रूट दो, ये देखो माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स ये आ जाएगा एक बटे अंडर रूट दो। अब यहां पर आप देखिए मान लगाएंगे तो ये आ जाएगा दो ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक, ये आपके पास हो जाएगा पाई बटे दो माइनस, देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटे चार माइनस ए स्क्वायर बटे दो गुणा, अब देखो साइन इनवर्स एक बटे अंडर रूट दो ये आपके पास होता है पाई बटे चार के बराबर, तो देख सकते हैं यहां से आ जाएगा दो पाई ए स्क्वायर बटे चार माइनस ए स्क्वायर बटे चार माइनस पाई ए स्क्वायर बटे आठ। तो यहां पर आप देख रहे हो हर आपके पास किसी में चार है किसी में आठ है, तो लासापा आप ले लीजिएगा, तो यहां से आपके पास देखो लासापा आ जाएगा आठ, दो बटे आठ आपने ऐसे लिख दिया, यहां से आ जाएगा आपके पास दो गुणा पाई ए स्क्वायर माइनस दो गुणा ए स्क्वायर माइनस पाई गुणा ए स्क्वायर, जब आप हल करोगे दो से आठ आपने चार बार कैंसिल कर दिया तो आपके पास ये आ जाएगा एक बटे चार। अब देखो दो पाई ए स्क्वायर में से एक पाई ए स्क्वायर घटाओगे तो पाई ए स्क्वायर आ गया आपके पास, ये पाई है आपके पास ध्यान रखें, माइनस दो ए स्क्वायर आपके पास यहां से आ गया। तो यहां से अब देखो अगर आप ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लो, क्योंकि उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है दोनों पदों में, तो ए स्क्वायर उभयनिष्ठ लिया तो ए स्क्वायर बटे चार बाहर आ गया, और यहां से आपके पास आ जाएगा पाई माइनस दो। तो इस तरीके से जो आपके पास ये मान आया है
यही आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास वक्र दिया हुआ है x बराबर वाई स्क्वायर। इसमें कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है और वो जल्दी से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बना देंगे। तो आप ध्यान रखें ये ग्राफ बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने आपको बताया था वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इस तरीके का जब भी ग्राफ होता है तो कुछ इस तरीके का आपके पास बनता है। तो आप देखो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स ही तो लिखा हुआ है, बस वाई स्क्वायर को हमने बाई तरफ पक्षांतर कर दिया। तो जल्दबाजी ना करें, वाई स्क्वायर बराबर एक्स टाइप का एक आपके पास वक्र दिया है अर्थात पैराबोला, आपको पता है परवलय है ये। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो ये आपके पास एक्स अक्ष हो गया और ये देखिए आपके पास वाई अक्ष भी आपने बना दिया है। आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों बना दिए। अब यहां पर सबसे पहले हम x बराबर वाई स्क्वायर बना देते हैं। तो आपके पास ये इस तरीके का परवलय बन जाएगा। फिर आपको बोला गया है कि रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो x बराबर 4 स्वाभाविक सी बात है कि कहीं यहां पर कहीं होगा। आपको देखो एग्जैक्ट तो नहीं पता है x बराबर 4 कहां होगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना रहे हैं। तो यहां पर ये आपके पास हो गया x बराबर 4 और ये जो आपने कर्व बनाया है ये है x बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर x। फिर आप यदि गौर करेंगे तो आपको बोला गया कि ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो x बराबर a द्वारा बराबर भागों में विभाजित होता है। इसका मतलब x बराबर a जो लाइन है ये अगर 4,0 बिंदु है और ये मूल बिंदु अर्थात 0,0 है, तो x बराबर a जो बिंदु होगा 1,0 या बोल सकते हैं x बराबर a वाली लाइन, वो कहीं बीच में आनी चाहिए, तभी तो वो वाली लाइन इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकती है। तो यहां पर देखिए x बराबर a वाली लाइन आप कुछ बनाएंगे, आपको पता नहीं है कहां पर है a, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से बना दी तो ये पता है। लेकिन x बराबर समथिंग करके कभी भी होगा तो वो एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा आएगी। तो ये हो गई 1,0 या आप इसे बोल सकते हैं x बराबर a वाली लाइन आ गई आपके पास। तो आप देखो ये आपको बोला गया था कि x बराबर a वाली जो लाइन है वो दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो देखो एक भाग इधर हो गया x बराबर a क्या और एक भाग इधर हो गया। ध्यान रखें बराबर भाग का मतलब यह है कि उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो अब यहां से आपको यह समझ में आ गया, देखो दो बराबर भाग कौन से बने, एक तो ये वाला भाग बना है जिसको मैंने नीले रंग से दर्शाया है और देखिए दूसरा वाला भाग भी अभी हम दर्शाएंगे। अभी ये एक भाग हो गया और दूसरा वाला भाग आप देख सकते हैं आपके पास ये वाला है जिसको मैं हरे रंग से दर्शा रहा हूं अभी। तो आपको यही बोला गया था कि ये बराबर क्षेत्रफल के एक तरीके से बराबर भाग का मतलब यही था। तो ये बराबर क्षेत्रफल आप इनका कर देंगे आपस में और फिर यहां से आपको a का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर कैसे हम करेंगे। ये तो आपको ये समझ में आ गया कि बराबर क्षेत्रफल कर देंगे, अब कैसे करेंगे, गणितीय रूप में गणना कैसे करेंगे वो हम आपको समझा देते हैं। तो ये मान लीजिएगा ओ बिंदु हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये हो गया E और ये मान लीजिएगा F बिंदु। किसी भी तरीके से आप बिंदु मान सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि OCD का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास बराबर हो जाएगा CABD का क्षेत्रफल। अब समझ लेते हैं आखिर कैसा हुआ ये। तो देखो बोला गया था x बराबर a वाली जो लाइन है वो दो बराबर भागों में कर रही है अर्थात ये वाला क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है। तो OCD का क्षेत्रफल और CABD का क्षेत्रफल ये आपने बराबर कर दिया। अब देखते हैं OCD वाले में भी, देखो दो भाग बनने हैं, एक x अक्ष के ऊपर और एक x अक्ष के नीचे। सममिति से आप बोल सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं OCD का क्षेत्रफल अर्थात 2 गुणा OCF का क्षेत्रफल बराबर CABD का क्षेत्रफल। देखिए इसमें भी आपके पास एक x अक्ष के ऊपर भाग बनना और एक x अक्ष के नीचे बनना है CABD में। तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा CAEF का क्षेत्रफल। तो अब यहां से आप ये देखो 2 से 2 तो आपके पास कैंसिल हो गया। अब OCF का क्षेत्रफल लिखना है। अब OCF में आप ये देखो चूंकि ये तो x अक्ष पर बन रहा है तो आप यहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाएंगे। हमने आपको समझाया था जब भी x अक्ष पर घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछे तो आप ऊर्ध्वाधर रेखा बनाओ।
ये जो पट्टी होगी वो जीरो से ए के बीच में घूम रही होगी, तभी तो ये ओसीएफ वाला क्षेत्रफल कवर होगा। तो यहां से आप देखो इसके लिख सकते हैं जीरो से लेकर ए, यहां से लिखोगे वाई डी एक्स बराबर सी ए ई एफ का क्षेत्रफल। आप देखो सी ए ई एफ ये भी तो देखो एक्स अक्ष पर ही बन रहा है, तो यहां पर भी आप एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बना देंगे। तो ऊर्ध्वाधर पट्टी आप देखो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो जब आपने ऊर्ध्वाधर पट्टी देखो कुछ इस तरीके से बनाई, तो ये देखो ऊर्ध्वाधर पट्टी ये वाली ए से लेकर चार तक मूव करनी चाहिए, तभी तो सी एफ ई का क्षेत्रफल आएगा। तो ये लिख देंगे ए से लेकर चार तक वाई डी एक्स। अब एक बात का आप ध्यान रखें, यहां पर भले ही आपने वाई डी एक्स ये सब लिख दिया है, लेकिन यहां पर ध्यान रखें कि जो आपके पास कर्व है वो अलग अलग होंगे तो अलग अलग लिखते हैं, अगर सेम होंगे तो सेम लिखे जाते हैं। चूंकि कर्व देखो यहां पर x बराबर वाई स्क्वायर सेम कर्व है दोनों के लिए, तो यहां से चूंकि x बराबर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर x आपने ऐसे लिख दिया, तो y बराबर आपके पास अंडर रूट x आ जाएगा। तो यहां से आप हर जगह अंडर रूट x लिख देंगे। तो जीरो से लेकर a यहां जीरो आएगा, से लेकर a अंडर रूट x dx आ गया बराबर। देखिए ये आ जाएगा a से लेकर 4 अंडर रूट x dx। और देखिए अंडर रूट x का यदि मैं समाकलन करूं तो मैं अलग से कर देता हूं, आपने सीखा ही था समाकलन करना, ये इसे लिख सकते हैं x की घात 1 बटे 2 का समाकलन x के सापेक्ष। तो ये आ जाएगा x की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2, हल करने पर आ जाएगा 2 बटे 3 x की घात 3 बटे 2। अब यहां पर देखिए मैं कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि निश्चित समाकलन करना है, सीमाएं लगानी ही है, तो वहां पर कोई भी अचर राशि का हम प्रयोग नहीं करते हैं अर्थात कॉन्स्टेंट का। तो देखो ये आपके पास आ गया 2 बटे 3 x की घात 3 बटे 2। अब चूंकि लिमिट लगानी है तो 2 बटे 3 तो देखो अचर राशि है, इसमें तो कोई है ही नहीं एक्स, तो कुछ मतलब पड़ेगा ही नहीं, आप इसको बाहर रखिएगा। ये आ जाएगा a और यहां आ जाएगा 0। इसी तरीके से आप देखो जो समाकलन है वो आएगा 2 बटे 3 एक्स की घात 3 बटे 2। अब निम्न सीमा a है और उच्च सीमा आपके पास 4 है, आप देख सकते हो a से लेकर 4 तक थी। अब देखिए यहां से 2 बटे 3 एक्स का मान a लगाओगे तो a की घात 3 बटे 2, एक्स का मान 0 लगाओगे तो ये 0 की घात 3 बटे 2 अर्थात 0 आ गया बराबर। 2 बटे 3 एक्स का मान 4 लगाओगे तो 4 की घात 3 बटे 2 माइनस एक्स का मान a लगाओगे तो a की घात 3 बटे 2 आ गया। अब आप गौर करने पर पा रहे हैं देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है a की घात 3 बटे 2 बराबर 4 की घात 3 बटे 2 माइनस a की घात 3 बटे 2। अब यहां से चूंकि a का मान निकालना है तो a वाले जितने भी पद हैं उनको एक तरफ ले जाओ आप, तो इसको हमने पक्षांतर कर दिया बाईं तरफ, तो ये आ जाएगा a की घात 3 बटे 2 प्लस a की घात 3 बटे 2। अब ये देखो 4 की घात 3 बटे 2 है, तो सबसे पहले आप 4 की घात 3 कर दो फिर घात 1 बटे 2 कर दो, आपके ऊपर निर्भर करता है, पहले आप घात 1 बटे 2 भी कर सकते थे, जैसा आप करना चाहें, दोनों से समान ही आएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2 गुणा a की घात 3 बटे 2 बराबर 4 की घात 3 हो गया 64 और ये आ गया 1 बटे 2। अब देखिए यहां से ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा a की घात 3 बटे 2 बराबर 64 की घात 1 बटे 2 अर्थात 64 का वर्गमूल, ये 8 आ गया। फिर आप देख रहे हैं यहां से a की घात 3 बटे 2 ये आ जाएगा 8 बटे 2 अर्थात 4 के बराबर। अब चूंकि आपको तो a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए आपको देखना होगा a बराबर 4 की घात 2 बटे 3 हो जाएगा। अब समझ लेते हैं ये कौन सा सिद्धांत से हमने किया है, ध्यान रखें यहां पर मैं आपको लिख भी देता हूं। कक्षा 9 में आपने सीखा था कि यदि आपके पास x की घात 2 बटे 3 या कुछ भी हो, चलिए मैं x की घात m लिख देता हूं बराबर a है, तो यहां से x का मान a की घात 1 बटे m आता है, मतलब जो ये घात होती है 1 बटे m हो जाती है, मतलब व्युत्क्रम हो जाता है इसका। तो यहां से 3 बटे 2 था, इसलिए यहां पर चूंकि a की घात 3 बटे 2 बराबर 4 था, तो a की घात सॉरी a का मान हो जाएगा 4 की घात 1 बटे 3 बटे 2। जब आप 3 बटे 2 का व्युत्क्रम करेंगे या रेसिप्रोकल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 4 की घात 2 बटे 3। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप देखिए ये आपके पास उत्तर आ जाएगा a का मान a बराबर 4 की घात 2 बटे 3। अब चाहें तो आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हो, जैसे 4 की घात 2 आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 1 बटे 3 निकालना कठिन है क्योंकि घनमूल 4 का कठिन होगा, तो आप 4 की घात 2 पहले कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 16 की घात 1 बटे 3। तो आप इसमें से कुछ भी उत्तर दे दीजिएगा, दोनों उत्तर बिल्कुल समान ही है, बस मैंने क्या किया है कि जो 16 की घात 1 बटे 3 किया उसमें थोड़ा सरल कर दिया है, 4 की घात 2 कर दिया पहले। यहां पर आप कोई सा भी उत्तर दे सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हो जाएंगे।
अब देखिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। परवल है y इक्वल टू x स्क्वायर एवं y इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर आपके पास जो परवल दिया हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर, या आप इसे x स्क्वायर बराबर y लिख सकते हैं। अब इसका आपको हमने आकृति बनाना सिखाया ही है। तो देखिए x स्क्वायर बराबर y की अगर आप आकृति बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। ये आपने बना दी x स्क्वायर बराबर y का ग्राफ। अब आपको बोला गया है कि आपको y बराबर मॉड x इसका ग्राफ भी बनाना है। तो यहां पर समझ लेते हैं कि y बराबर मॉड x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो अगर हम y बराबर मॉड x को यहां पर अगर ब्रेक करें, अर्थात इसको पृथक करें अलग अलग परिभाषाओं में, तो देखिए जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तब y बराबर x हो जाएगा, जब x 0 से छोटा होगा तब इसकी परिभाषा हो जाएगी माइनस x। अर्थात दो परिभाषाएं आपके पास आएंगी, और y बराबर x और y बराबर माइनस x, ये आप बनाना जानते हैं, सरल रेखाएं हैं। अब यहां पर एक संदेह हो सकता है कि देखिए यहां पर मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कुछ छात्रों को यह संदेह आएगा कि ये रेखा कुछ इस तरीके से आएंगी या ये रेखा कुछ इस तरीके से आएगी, क्योंकि देखो लाइन है y बराबर x। अब उनको यह संदेह हो सकता है कि ये वाली रेखा होगी y बराबर x या ये वाली, अर्थात कि क्या वो इस परवलय को कट करती हुई जाएगी या इस परवलय को कट नहीं करेगी, अलग बाहर से जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हम यहां पर देखिए कुछ समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर ये देखते हैं कि इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है। तो चलिए हम मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में निकालते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में y बराबर x स्क्वायर है और ये आपके पास हो जाएगा y बराबर x हो जाएगा, क्योंकि मॉड x तो y बराबर x बन जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। तो इन दोनों को हल करते हैं। तो देखिए हल करने पर आपके पास आ जाएगा x बराबर x स्क्वायर, अर्थात x बराबर 1 माइनस x बराबर 0 आएगा, क्योंकि x स्क्वायर को आपने पक्षांतर कर दिया। तो यहां से आया x बराबर 0 तथा x बराबर 1। तो आपको पता लग रहा है कि दो बिंदु ऐसे मिल रहे हैं इनका जो हल है, अर्थात दो बिंदु कौन कौन से मिल सकते हैं। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि एक तो देखो ये जीरो वाला बिंदु मिल गया और एक जो आपके पास बिंदु मिलेगा, मैं यहां पर ढंग से बना दूं तो एक ये देखो कुछ इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा, ये आपके पास बिंदु 0.0 वाला होना चाहिए, एक बिंदु ये मिल गया, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल गया, तभी तो ये बिंदु आपके पास आया ना। अच्छा ये और ये बिंदु आपके पास आएगा 1.0, क्योंकि x बराबर 1 आपके पास यहां से आया था। अब इसी तरीके से जैसे ये पता लगा, अब आप देखोगे कि आपको यहां पर y बराबर मॉड x का बनाना था तो माइनस x वाली लाइन भी बनानी होगी। तो माइनस x वाली लाइन यदि आप बनाएंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये जो बिंदु आएगा आपके पास, ये वाला बिंदु, ये आपके पास होना चाहिए -1.0। आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। अब आप y बराबर x स्क्वायर को और y बराबर माइनस एक्स को हल करेंगे, क्योंकि जब आप द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे तो y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा वहां पर। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, क्योंकि y और y बराबर कर दिए, तो x कॉमन लिया, x प्लस 1 बराबर 0। तो आपको पता लग रहा है देखो x बराबर 0 और x बराबर माइनस एक, देखो यही दो बिंदु आपके पास आए, ये तो 0.0 है, तो अर्थात x बराबर 0 और ये आपके पास x बराबर माइनस एक हो गया। तो अब आपसे बोला गया कि इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैं यहां पर इसको इस रंग से दर्शा देता हूं, और इसी तरीके से देखो ये वाला, तो इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए आपको ये पता है सिमेट्री से दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो हम एक तरफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला क्षेत्रफल निकाला। अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए यहां पर आप ध्यान रखो कि यहां पर ना तो ये वाला भाग एक्स अक्ष पर बना हुआ है, ना ही ये वाला भाग वाई अक्ष पर बना हुआ है। तो अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा, मान लीजिएगा ये बिंदु O है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब यहां पर आप सीधे नहीं लगा सकते कि एक आपने पट्टी ले ली और वो कहां से कहां तक जा रही है, क्योंकि ना तो ये x अक्ष पर बना है ये वाला जो आपको एरिया निकालना है, ना ही ये y अक्ष पर बना है। तो अब आपको देखो सबसे पहले आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात अभीष्ट क्षेत्रफल, उसको देख लेते हैं। वो आपके पास आ जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी ओ
का क्षेत्रफल। ओ ए बी ओ क्या है, अब उसको समझ लेते हैं। ओ ए बी ओ मतलब ये वाला भाग है, ये वाला भाग आप देख सकते हो मैंने नीले रंग से बनाया है, यहां पर इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं, मतलब इसका क्षेत्रफल। अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और इसमें से यदि हम ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो आपके पास ये अभी से क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चूंकि ये वाला क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल तो बराबर थे, अर्थात दो का गुणा कर देंगे जो भी क्षेत्रफल आपके पास आएगा यहां से। तो अभी आप ये देखो, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आपको ये भी देखना होगा कि आखिर ये ए बिंदु के निर्देशांक क्या होने चाहिए। देखिए x बराबर यदि एक है तो y बराबर भी यहां से एक ही आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी भी आपके पास एक आ जाएगी और ये दूरी भी आपके पास एक ही है, तो ये आ जाएगा दो। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल एक बटे दो, आधार ओ बी गुणा ऊंचाई ए बी माइनस। अब ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल देखना है, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल में आप देख सकते हो, आपको देखो ये क्षेत्रफल बेसिकली निकालना है ये वाला। अब ये देखो ये x अक्ष पर बना हुआ है क्षेत्रफल, तो अब आप यहां पर y dx लगा सकते हैं आसानी से। अब देखिए सीमाएं देखते हैं, तो ये जो पट्टी है ये वाली पट्टी, ये जीरो से लेकर एक के बीच में मूव कर रही है, यहां से यहां तक के बीच में, तो यहां पर आप लिमिट जीरो से लेकर एक तक की लगा देंगे। चलिए अब आपने देखो लिमिट लगा दी, तो यहां से अब इसको हल करेंगे, तो देखो दो एक बटे दो, ओ बी का मान आप देखो एक है और ए बी का मान भी एक है माइनस। अब देखिए जीरो से लेकर एक, अब देखते हैं वाई क्या होना चाहिए। तो यहां से आप देखो आपके पास वाई जो है ये कर्व, कर्व मतलब ये पैराबोला था एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो इस पर ये पट्टी आ रही है, तो यहां पर वाई की जगह आप एक्स स्क्वायर लगा देंगे और ये dx हो गया आपके पास। अब यहां से आप देखो दो का यदि हम गुणा करें तो ये आ जाएगा दो गुणा एक बटे दो गुणा एक गुणा एक, अर्थात आपने दो का गुणा दोनों पदों में किया माइनस, ये आ जाएगा दो जीरो से लेकर एक एक्स स्क्वायर dx के बराबर। तो यहां से आप देखो आपके पास दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये एक बचेगा माइनस दो। जब आप एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की घात तीन बटे तीन, और ये देखो आपके पास आ जाएगा एक से लेकर जीरो। फिर यहां से आप देखो एक माइनस दो, जब आप अपर लिमिट लगाओगे अर्थात उच्च सीमा जहां पर x का मान आपको एक लगाना होगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक बटे तीन माइनस जीरो, तो देखो ये आ जाएगा एक माइनस दो गुणा एक बटे तीन हो जाएगा, क्योंकि जीरो घटाओगे तो वही रह जाएगा, तो आपके पास यहां से हो जाएगा ये एक माइनस दो बटे तीन, अर्थात हल करने पर ये आपके पास एक बटे तीन आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, और चूंकि आपको मात्रक भी लिखना होता है तो आप वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक करके कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 10 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई एवं रेखा एक्स बराबर चार वाई माइनस दो से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप देखो आपके पास एक वक्र दिया है एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि ये परवलय है अर्थात पैराबोला है, क्योंकि देखिए एक चर में तो ये द्विघात है और एक चर में केवल एक घात का है। तो आपने सीखा था एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आता था। अब यहां पर फोर ए वाई है, यहां पर चार वाई है, तो होगा तो इसी तरीके का, क्योंकि फोर ए बी वहां पर एक कॉन्स्टेंट की तरह ही काम करता था। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो हम y एक्सिस बना ली हमने, अब हम x अक्ष भी बना लेते हैं, और फिर देखिए y अक्ष और x अक्ष के बाद हम यहां पर ग्राफ को बनाएंगे। तो आप ये देखो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो ये आपके पास देखिए कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर चार वाई आपके पास आ गया, अब आपको देखना है कि आपके पास बचा है एक्स बराबर चार वाई माइनस दो। अब यहां पर ये आप जानते हैं कि देखो x में भी एक घात का है, y में भी एक घात का, अर्थात ये तो आपके पास एक सरल रेखा बन जाएगी। चलिए हम सरल रेखा बनाते हैं, तो आप देखिए अगर हम x का मान जीरो रख दें तो y का मान यहां पर आपके पास देखिए आ जाएगा दो बटे, y का मान हो जाएगा दो बटे चार, तो ये एक बटे दो आ गया, तो इसका मतलब जीरो कॉमा एक बटे दो, ये बिंदु कहीं यहां से पास होगी ये वाली रेखा। इसी तरीके से यदि हम y का मान जीरो रख दें तो आप देखिए आपके पास x का मान माइनस दो आ जाएगा, अर्थात ये वाला बिंदु आएगा आपके पास, तो यहां पर मैंने ये बिंदु भी लिख दिए। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो आपके पास जो एक रेखा बनेगी वो आपके पास
सरल रेखा बन जाएगी x बराबर 4y-2। तो देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये रेखा आ जाएगी। तो ये मान लीजिएगा ये वाली रेखा आपके पास आ गई x बराबर 4y-2 करके। तो ये बिंदु -2,0 मान लीजिएगा ये वाला बिंदु है आपके पास। अब यहां से आपको ये देखना है कि आपको बोला गया है कि जो आपको क्षेत्रफल चाहिए वो क्षेत्रफल इन दोनों के बीच में घिरा हुआ होना चाहिए। अर्थात आप समझ सकते हैं कि आपको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मैं जिसको हरे रंग से दर्शा रहा हूं, अब ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिंदु और ये बिंदु कौन से, अर्थात इस परवलय और इस सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु कौन कौन से होंगे। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों को हल करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर दिया हुआ है x² बराबर 4y, और देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है x बराबर 4y-2। इन दोनों को हल करते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से हल करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए 4y का मान यहां से देखोगे तो x+2 आएगा और यहां पर आप लगा दो तो x² बराबर x+2 आ गया, x²-x-2=0 आएगा। यदि आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x²-2x+x-2=0। देखिए x कॉमन लेंगे तो x-2, यहां देखिए 1 कॉमन लेंगे इसमें से तो ये x-2=0 हो जाएगा। तो x+1 एक कोष्टक में, x-2 दूसरे कोष्टक में, बराबर 0। तो यहां से x का मान -1 आया और x का मान 2 आ गया। अब चूंकि x का मान यदि -1 होगा तो आप यहां पर लगा दीजिएगा, तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा 4y-1+2, अर्थात y का मान 1/4। तो यहां से देखो y बराबर 1/4 आ गया। तो एक बिंदु तो आपके पास ये आ गया -1,1/4। तो स्वाभाविक सी बात है -1,1/4 ये वाला बिंदु होगा। अब बात करते हैं ये वाला बिंदु कौन सा होगा, तो x=2 वाला ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब y का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगर आप x का मान 2 लगा दोगे यहां पर तो ये आ जाएगा 2=4y-2। तो 4y=4 आ जाएगा पक्षांतर करने पर, तो y का मान यहां से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो आ जाएगा आपके पास 2,1। तो ये आपने 2,1 लिख दिया। अब चूंकि आपको देखो बिंदु भी पता लग गए कि आखिर प्रतिच्छेदन बिंदु हैं क्या क्या, तो अब यहां से आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम बिंदुओं के नाम रख देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। जैसे मान लीजिएगा ये है आपके पास बिंदु O, इसको हम बिंदु A मान लेते हैं। ये जो बिंदु है आपके पास -1,1/4, 2,1 को हमने बिंदु B मान लिया। अगर हम यहां से एक लंब डालें तो ये मान लीजिएगा M बिंदु पर मिल रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2,0। तो अब देखो यहां से आपने इन बिंदुओं को लिख लिया, तो मैं यहां पर एक बार इनको भी लिख देता हूं ताकि आपको कहीं बाद में दिक्कत ना हो। x²=4y और ये है x=4y-2। अब आप देखिए आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो तो है OBAO। तो यहां पर लिख लेते हैं क्षेत्रफल OBAO, यही तो आपको ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो ये देखिए किस किस के बराबर होगा। अब ये बराबर होगा आपके पास ये आपके पास बराबर होगा OBCO के। अगर मैं इस बिंदु को C बोल दूं तो ये OBCO के बराबर होगा। अभी इसमें घटाना और जोड़ना भी पड़ेगा, उसको भी हम देखते हैं। क्षेत्रफल OBCO, अब देखो जब आपने OBCO वाला क्षेत्रफल इसमें जोड़ा है तो आपको ये वाला क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, OBM वाला क्षेत्रफल। तो यहां से आप लिख सकते हो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए OBCO में से कुछ भी नहीं घटाना पड़ेगा आपको, तो अभी आपको ये जोड़ना और पड़ेगा OAC वाला क्षेत्रफल। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल OACO। अब यहां से आप ये देखो जो OBCO वाला क्षेत्रफल है इसको आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल OMBC-OMBO वाला क्षेत्रफल। तो इसकी जगह आप लिखेंगे क्षेत्रफल OMBC- क्षेत्रफल OMBO प्लस, अब देखिए क्षेत्रफल OACO इसको आप देखो क्या लिख सकते हैं। यहां पर हम प्रथम लेते हैं OACO को आप लिखेंगे, अगर मैं इससे लंब ये L बोल दूं तो OLAC-OLAO वाला क्षेत्रफल। तो यहां से आप देख सकते हैं इसको आप लिखेंगे क्षेत्रफल OLAC-
क्षेत्रफल ओ एल ए ओ वाला क्षेत्रफल। तो जब यहाँ से आपने देखो लिख दिया तो अभी से क्षेत्रफल तो जो आपको ज्ञात करना है प्रश्न में वो ओ बी ए ओ ही है, तो वो बाएं पक्ष में आपके पास है ही। अब हमने दाएं पक्ष में इस तरीके से लिख दिया, और हमने इसलिए इस तरीके से लिखा है इनको ब्रेक कर करके क्योंकि इस तरीके से आपके पास क्षेत्रफल निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए अब हम ओ एम बी सी का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालते हैं। ओ एम बी सी ये देख सकते हैं आपके पास ये क्षेत्रफल है, अर्थात इस सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल। तो सरल रेखा है एक्स बराबर चार वाई माइनस दो, तो यदि आप एक्स की सीमाएं लगाएंगे तो देखो ओ वाला बिंदु तो 0,0 होता है मूल बिंदु, तो 0 से 2 की सीमाएं लगाओगे तो आपके पास आएगा वाई डी एक्स। तो यहां से देखो 0 से 2 डी एक्स। अब वाई देखो, अब सरल रेखा में देखो जो वाई आएगा यहां से देखिए आपके पास वाई आ जाएगा एक्स प्लस 2 बटे 4, तो आप यही लिख देंगे यहां पर। तो आपने लिख दिया एक्स प्लस 2 बटे 4, ये ओ एम बी सी का क्षेत्रफल आपने लिख दिया। अब बारी आती है कि आपको ओ एम बी ओ का क्षेत्रफल लिखना है। तो देखिए ओ एम बी ओ का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपको लिखना है। तो अगर आप देख रहे हैं ओ एम बी ओ ये क्षेत्रफल एक्स अक्ष पर बना हुआ है, अर्थात एक्स अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो अगर ये देखोगे पट्टी जो 0 से 2 के बीच में मूव कर रही है, इसका मतलब आप एक्स की सीमाएं लगा रहे हैं माइनस। तो देखिए एक्स की सीमा तो 0 से 2 हो गई। अब देखिए ओ एम बी ओ जो ये पट्टी है वो हमेशा लाल वाले कर्व अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 4y पर चल रही है, तो आपके पास आता था वाई डी एक्स, अर्थात वाई की जगह एक्स स्क्वायर बटे 4 और यहाँ डी एक्स आ गया। अब इसी तरीके से देखो ओ एल ए सी पर आ जाते हैं। तो ओ एल ए सी आप देख सकते हो आपके पास ये क्षेत्रफल है जो इस सरल रेखा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल है एक्स अक्ष पर। तो यहां से आप देख सकते हैं जो सीमाएं हैं वो तो आपके पास माइनस 1 से लेकर 0 हो जाएगी। तो ये देखो आपके पास हो जाएगा माइनस 1 से लेकर 0, हम ओ एल ए सी का क्षेत्रफल लिख रहे हैं वाई डी एक्स, अर्थात वाई की जगह एक्स प्लस 2 बटे 4 और डी एक्स आपने यहां से लिख दिया माइनस। अब ओ एल ए ओ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ओ एल ए ओ का क्षेत्रफल देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस 1 से 0, सीमा तो वही रहेगी, और अब वाई लिखेंगे तो वो कर्व वाला वाई है अर्थात जो परवलय था, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 डी एक्स। तो इस तरीके से देखो आपने अभी तक ये सब लिख लिया, अब आपको केवल इसको सरल करना बाकी रह गया है। तो चलिए सरल करते हैं। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 8 प्लस एक्स बटे 2, क्योंकि देखिए 2 बटे 4 तो 1 बटे 2 होता है, 1 बटे 2 का समाकलन करेंगे तो एक्स बटे 2 आ गया। यहां पर सीमा लगाएंगे निम्न सीमा 0 उच्च सीमा 2 माइनस, देखिए ये आ जाएगा एक्स की घात 3 बटे 12, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स की घात 3 बटे 3 आएगा और 4 पहले से चल रहा है, तो 3 गुणा 4 12 हो गया। 0 निम्न सीमा उच्च सीमा 2 प्लस यहां देखिए एक्स स्क्वायर बटे 8 प्लस यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स बटे 2, और अब आप देख सकते हो ये आ गया 0 से लेकर सॉरी माइनस 1 से लेकर 0, तो यहां पर आप माइनस 1 से 0 की लिमिट लगा देंगे। तो माइनस 1 से 0 लगा दिया प्लस यहां पर देखेंगे तो एक्स की घात 3 बटे 12 आ जाएगा, और यहां पर देखो माइनस 1 से लेकर 0 आ गया, और यहां पर आपको माइनस लगाना होगा क्योंकि आप देख सकते हो आपके पास ये जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो आपने यहां पर माइनस लगा दिया। अब इसको सरल करना बाकी रह गया आपके पास, तो चलिए मान लगाते हैं। तो उच्च सीमा लगाओगे तो ये आ जाएगा 4 बटे 8 प्लस 2 बटे 2, 0 लगाने का कोई औचित्य है नहीं क्योंकि ये सब 0 ही हो जाएंगे माइनस, देखिए उच्च सीमा 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8 बटे 12, 0 से सब ये 0 ही हो जाएंगे प्लस। अब देखिए 0 लगाएंगे तो ये सब तो 0 होने ही वाले हैं, तो इसका कोई औचित्य रहा ही नहीं। अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0 माइनस, अब माइनस 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे 8 माइनस 1 बटे 2 माइनस, देखो 0 से 0 ही आ गया माइनस एक्स की घात माइनस एक्स की घात 3 बटे 12 में एक्स की घात माइनस एक्स की जगह माइनस 1 लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस 1 बटे 12। तो जब आपने देखो इतना लिख दिया, अब आप इसको देखो सरल कर लोगे तो आप देखो ये आपके पास आ जाएगा 1 बटे 2, ये देखो 2 से 2 कट गया ये 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 बटे 2 अर्थात 3 बटे 2 आ गया माइनस, देखिए 4 दूनी 8 4 तीय 12 तो ये 2 बटे 3 आ गया। अब देखिए 1 बटे 8 में से 1 बटे 2 घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 3 बटे 8 आ जाएगा, ये माइनस पहले से है तो ये प्लस का 3 बटे 8 आ गया। फिर आप देखिए ये आपके पास माइनस का 1 बटे 12 और ये माइनस पहले से तो प्लस का 1 बटे 12 है और ये दोबारा माइनस आ गया, तो माइनस का 1 बटे 12 आपके पास आ जाएगा।
तो यहां से अब देखिए लासापा ले लेते हैं, तो लासापा लेने पर आपके पास 24 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 16 है प्लस 9 माइनस 2। तो देखिए 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आ गया, माइनस 16 और 2 को जोड़ेंगे तो 18 आ गया बटे 24। अब यहां से आप देख सकते हैं 45 में से 18 घटाएंगे तो 27 बटे 24 आ जाएगा, और यदि हम इसको 3 से कैंसिल करें तो ये 3 निम 27 बटे 3 अट्ठे 24 अर्थात 9 बटे 8 आ जाएगा। अब ध्यान रखें कभी भी क्षेत्रफल निकाल ले तो मात्रक तो होना चाहिए, तो यहां मात्रक में आप वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 11 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको बोला गया है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले तो हम y स्क्वायर बराबर 4x एक परवलय है, इसको हम बना लेते हैं ग्राफ पर। तो यहां पर देखिए हमने y अक्ष बना ली, अब हम x अक्ष बना लेते हैं और फिर हम y स्क्वायर बराबर 4x बनाते हैं ग्राफ। तो ये परवलय कुछ इस तरीके का आपके पास आ जाता है। तो ये आपने देखो y स्क्वायर बराबर 4x का बना लिया ग्राफ। अब बात आती है x बराबर 3 की। अब यहां पर देखो केवल x बराबर 3 लिखा है, यदि कोई दूसरा y की वैल्यू भी लिखी होती तब वो बिंदु हो जाता, लेकिन x बराबर 3 लिखा है इसका मतलब ये एक सरल रेखा होगी जो कि 3,0 या आप बोल सकते हैं yh के समांतर होगी जो x बराबर 3 से गुजर रही होगी। तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी, अर्थात ये बिंदु अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 3,0 आ जाएगा, अगर रेखा देखेंगे तो आपके पास ये रेखा x बराबर 3 हो जाएगी। अब आपको बोला गया कि आपको तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है घिरे हुए क्षेत्र का। तो घिरा हुआ क्षेत्र यदि हम समझें तो वो आपके पास देखिए ये वाला क्षेत्र है, तो ये देखो मैं नीले रंग से बना रहा हूं आसमानी रंग से, ये आपको बेसिकली क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्योंकि घिरा हुआ क्षेत्रफल केवल यही है परवलय अर्थात y स्क्वायर बराबर 4x और रेखा x बराबर 3 के बीच में, तो आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये देखिए ये तो बिंदु आपके पास 0,0 है। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आप एक सहारा ये ले सकते हैं, देखिए ये दोनों बिल्कुल सममित होंगे अर्थात x अक्ष के ऊपर जितना भाग होगा x अक्ष के नीचे ही उतना भी भाग होगा क्योंकि y स्क्वायर बराबर 4x भी x अक्ष के समांतर सममित होता है। तो यहां से अभी हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले भाग का केवल एरिया निकालते हैं, तो इसका मतलब देखो ये x अक्ष पर है ऊपर वाला भाग, तो ये अगर आपने पट्टी ली तो इस पट्टी को हमेशा दाईं तरफ और बाईं तरफ चलाना पड़ेगा तभी तो ये पूरा एरिया कवर करेगा ऊपर वाला। इसका मतलब अभीष्ट क्षेत्रफल यदि आप लिखना चाहेंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल आप देखो आप 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो हम ऊपर वाले का लिख रहे हैं तो उसका 2 गुणा कर देंगे। अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल यदि लिखेंगे तो देखियो ये आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर 3 तक क्योंकि x की सीमा 0 से 3 है, क्योंकि x की सीमा यहां लिखी है इसलिए आप dx लिखोगे तो यहां पर आपके पास y आएगा, y आपने ये लिख दिया। अब फिर आप देखिए आपको y लगाना है लेकिन y स्क्वायर बराबर तो 4x है आपके पास, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट x। बात आती है कि क्या यहां पर माइनस 2 अंडर रूट x भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चूंकि हम पहले चतुर्थांश का एरिया निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने केवल प्लस वाले चिन्ह को ले लिया। तो देखो ये 2 0 से लेकर 3 y की वैल्यू 2 अंडर रूट x dx आपके पास हो गई है। अब देखिए 2 और ये 2 भी तो एक अचर राशि है तो ये बाहर आ जाएगी, तो 2 गुणा 2 ये 4 होगा, 0 से लेकर 3 अंडर रूट एक्स को आप x की घात 1/2 लिख दो और ये dx आपके सामने चल ही रहा है। फिर आप देख रहे हैं आपके पास ये हो जाएगा 4 x की घात 1/2, यदि इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x की घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और ये देखो आ गया आपके पास सीमा निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 3। फिर आप देख रहे हैं कि देखो ये हल करने पर 3/2 आ जाएगा हर में, लेकिन जब आप इसको ये तो अचर राशि होगी 3/2, तो जब आप इसको थोड़ा बाहर ले जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा क्योंकि ये हर में था 3/2, तो ये आपके पास आ गया x की घात 3/2, ये देखो 3 और ये आ गया 0। अब यहां से आप देख सकते हो ये आपके पास हो जाएगा 8/3। अब हम उच्च सीमा लगाएंगे सबसे पहले, तो 3 की घात 3/2 माइनस x की वैल्यू, अब 0 लगाएंगे तो 0 की घात 3/2 आपके पास आ गया। फिर आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा 8/3,
तीन की घात तीन बटे दो, अर्थात तीन की घात तीन पहले कर लो फिर एक बटे दो घात लगा देंगे। माइनस देखो जीरो की घात कुछ भी करोगे वो सब जीरो ही आएगा, तो ये आ गया आठ बटे तीन। तीन की घात तीन होता है सत्ताईस, सत्ताईस की घात एक बटे दो, तो ये आपके पास आ जाएगा तीन अंडर रूट तीन। अब यहां से देखिए अगर आप गौर करेंगे तो तीन से ये वाला तीन आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो आएगा आठ अंडर रूट तीन। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा और आपके पास जो मात्रक होगा वो वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 11 में क्षेत्रफल निकाल दिया है जो कि 8 अंडर रूट 3 वर्ग इकाई के बराबर आया है। अब चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। यहां पर आपको बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास एक वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास वृत्त हो गया। यहां पर x अक्ष और y अक्ष भी बना देते हैं, तो ये आपके पास x अक्ष बना दिया आपने और ये आपके पास देखो y अक्ष हो गया। अब ये वृत्त आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये मैंने यहां पर लिख दिया। फिर बोला गया कि ये वृत्त तो है, अब प्रथम चतुर्थांश में भी देखना है और x बराबर 0, x बराबर 0 वाली रेखा का मतलब यह हुआ कि यह तो y अक्ष हो गई, तो यहां पर y अक्ष, ये तो आपको समझ में आ गया, इनडायरेक्टली आपसे y अक्ष ना बोल के x बराबर 0 दिया ताकि आपको थोड़ा इसमें समझने में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। तो आप देख रहे हो x बराबर 0 अर्थात y अक्ष, तो ये आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी, ये वाली रेखा आ जाएगी y बराबर 0 की, ये मैंने लाल से बना दी। फिर आप देखिए आपको बोला गया है कि x बराबर 2 है, अब चूंकि ये वृत्त है तो ये बिंदु जो होगा वो 2,0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में ये जो बिंदु होता है वो 1,0 हो गया, ये हो जाता है 0,a अर्थात 0,2, ये होता है -1,0 अर्थात -2,0 और ये आता है 0,-a अर्थात 0,-2, क्योंकि ए स्क्वायर 4 है इसलिए a का मान 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 वाली लाइन भी हम बना लेते हैं, तो x बराबर 2 वाली लाइन यदि आप बनाओगे तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये वाली लाइन आ जाएगी x बराबर 2 वाली। अब यहां से आप ये देखो कि प्रथम चतुर्थांश में और इस वृत्त और इन दोनों लाइनों के बीच में जो क्षेत्रफल आएगा उसको आपको मान निकालना है। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल आया वो केवल ये वाला क्षेत्रफल आया है, मैं यहां पर आपके सामने बना भी रहा हूं इसे, ये वाला क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। अब इसका आपको मान ज्ञात करना है अर्थात क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है कि आखिर कितना एरिया यहाँ पर कवर्ड है। तो देखो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैं दो तरीके से इस प्रश्न को हल करूँगा, सबसे पहला प्रश्न जो हम लेते हैं उसमें हम प्रॉपर मेथड से इस प्रश्न को हल करेंगे और दूसरे वाले मेथड में हम इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर देंगे। तो देखिए अगर मैं इस बिंदु को O बोल दूँ, इसको मैं A बोल दूँ और इसको B बोल दूँ, तो बेसिकली हमको जो एरिया ज्ञात करना है वो तो ओ ए बी का ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे क्षेत्रफल ओ ए बी बराबर, अब देखिए आप यहां पर देख रहे हैं ये वाला जो भाग है वो एक्स अक्ष पर भी स्थित है और वाई अक्ष से भी एरिया बना रहा है, तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक्स वाली भाग से लिखें या ऐसे वाई वाले भाग से लिखें, क्योंकि आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप एक्स वाले भाग से लिखते हैं तो देखिए यह आ जाएगा 0 से लेकर 2, क्योंकि अगर आप एक्स वाले भाग से लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखें आपको ऊर्ध्वाधर एक पट्टी बनानी पड़ती थी, तो ऊर्ध्वाधर पट्टी कुछ आपके पास इस तरीके से हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ऊर्ध्वाधर पट्टी यदि आपने ऐसी बनाई तो आपको इधर उधर मूव करना पड़ेगा अर्थात दाएं बाएं, तो 0 से लेकर 2 हो गई। यहां पर आप dx लिख दोगे क्योंकि आपने x की सीमाएं लिखी है 0 से लेकर 2, आपने ऐसे ऐसे मूव कराया है ना इसलिए, तो यहां पर आएगा y dx। तो देखिए 0 से लेकर 2 y का मान आप देखो यहां से लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 4 - x स्क्वायर, y बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2 - x स्क्वायर। यहां से देखो 4 आएगा आपके पास, तो यहां पर भी आपने देखो लिख दिया 4 - x स्क्वायर का वर्गमूल dx। अब ये देखो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
तो देखो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ सीधे एक बार में, यह आ जाएगा x बटे दो अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे दो, अर्थात ए स्क्वायर मतलब यही 4 हो गया, 4 बटे दो साइन इनवर्स x बटे ए, ए का मान 2 हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर 4 है। तो यहां पर देखो आपने जब ये लगा दिया तो अब आप 0 और 2 ये निम्न सीमा और उच्च सीमा क्रम से लगा देंगे यहां पर। फिर आप देख रहे हैं, देखिए 2 लगा देते हैं सबसे पहले उच्च सीमा, तो 2 बटे 2 अंडर रूट में 4 माइनस 4 आ जाएगा प्लस 4 बटे 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2 आ गया माइनस, अब देखिए 0 लगाएंगे तो ये देखो 0 पूरा बन जाएगा प्लस, देखो यहां भी साइन इनवर्स 0 आएगा, ये कुछ भी हो लेकिन यहां 0 हो गया तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा। अब आप देखो गौर करोगे तो देखो 4 माइनस 4 ये भी 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, केवल यही वाला पद आपके पास बचा है, तो ये 4 बटे 2 अर्थात 2 आ गया साइन इनवर्स 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 गुणा साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटे 2 होता है अर्थात पाई आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा पाई वर्ग इकाई, तो अभीष्ट उत्तर आपके पास पाई हो जाएगा। अब ये तो आपके पास मेथड बन रहा, एक अगर आप इसको लिखना चाहते थे तो मैं आपको देखो ये भी लिख देता हूं, इसको आप लिख सकते थे 0 से लेकर 2 x dy, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये y एक्सिस से भी घिरा हुआ है, तो अगर आप क्षैतिज पट्टी मान लेते तो आपको ऊपर नीचे मूव कराना पड़ता पूरे एरिया के लिए अर्थात 0 से लेकर 2, तो यहां पर भी अगर आप x dy करके निकालते तब भी आपके पास आप गौर करेंगे तो पाई ही उत्तर आएगा। तो बेसिकली ये कहने को तो दो मेथड हो गए लेकिन अभी तो ये एक ही मेथड हमने आपको बताया। अब हम समझते हैं कि दूसरा मेथड आपके पास कौन सा है, और वो बहुत ही आसान मेथड भी है, मेथड दो। मेथड दो में आप ये देखो कि जो हमको अभी क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इस वाले भाग का क्षेत्रफल है, और आप देखो चतुर्थांश जो होता है वो वृत्त को 4 भागों में यदि हम विभाजित करें बराबर बराबर तो मिलता है, तो ये देखो 90 अंश ही होगा क्योंकि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष हमेशा 90 अंश पर झुकी होती है एक दूसरे से, तो ये 90 अंश हो गया, अर्थात जो आपके पास OAB का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और वो चतुर्थांश वृत्त का होगा। अब वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हम जानते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर, और चूंकि एक चतुर्थांश का अर्थात उसका एक चौथाई भाग, क्योंकि उस वृत्त में तो कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। अब आप देखो जो r है अर्थात जो त्रिज्या है वो तो आपके पास 2 है, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, तो देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो आपके पास ये बच जाएगा पाई के बराबर। तो इस तरीके से आपने देखो मेथड 2 से देखा, और वो काफी आसान मेथड था जिससे आपका उत्तर पाई वर्ग इकाई आ गया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए तो ऐसा नहीं कि आप पूरे तरीके से करें, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए आपको तो सही उत्तर का चुनाव करना था, तो यहां पर देखिए पाई आपके पास विकल्प ए में दिया हुआ है अर्थात विकल्प ए ही आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 8.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई अक्ष एवं रेखा वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, और आप देखिए आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं 2 9/4 9/3 और 9/2, और सही विकल्प का आपको चुनाव कर देना है। तो यहां पर सबसे पहले हम x अक्ष बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम y अक्ष बना लेते हैं। तो यहां पर देखो आपने x अक्ष और y अक्ष तो बना दिया, अब y स्क्वायर बराबर 4x ये परवलय भी आप बना लेते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आता है परवलय, ये आपने y स्क्वायर बराबर 4x बना दिया। फिर आप देखिए आपको बोला गया y अक्ष, तो y अक्ष आपके पास देखो ये वाली रेखा होती है, ये देखो मैंने बना दी है ये। फिर बोला गया है y बराबर 3, तो y बराबर 3 यदि आप रेखा बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी, तो ये मान लीजिएगा आपके पास y बराबर 3 वाली रेखा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बिंदु को निकालना चाहेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब आप देखिए गौर करेंगे तो आपको मिल रहा है कि y अक्ष
रेखा वाई बराबर 3 और इस वक्र के बीच का क्षेत्रफल। तो देखिए वाई एक्स ये हो गई, वाई बराबर 3 वाली रेखा ये हो गई और वक्र आपके पास ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। इसका मतलब इनके बीच का जो क्षेत्रफल है अर्थात इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो तो आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस क्षेत्र का। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर मैंने इस तरीके से बना दिया। अब आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये देखो आपके पास हो जाएगा बिंदु 0,0 अर्थात मूल बिंदु। जब आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इसमें एक बात गौर करेंगे कि ये जो क्षेत्र है वो आपके पास वाई अक्ष से घिरा हुआ है। तो आप वाई अक्ष से यदि घिरा हुआ क्षेत्र है तो आप एक क्षैतिज पट्टी बनाएंगे और आप देखेंगे यदि हम इस क्षैतिज पट्टी को ऊपर नीचे घुमाएं तभी तो ये पूरा एरिया कवर होगा जो आपको ज्ञात करना है अर्थात अभीष्ट क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। देखो सीमाएं देखो 0 से लेकर 3 तक मूव कर रहा है और वो भी ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ऊपर नीचे मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये वाई की सीमाएं हो गई तो 0 से 3 हो गया। चूंकि ये वाई की सीमाएं तो यहां पर dy आ गया तो यहां पर x आ जाएगा। अब आप ये देखो कि यहां पर x को हमें हटाना पड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर बराबर तो आपके पास 4x है तो यहां से x का मान आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4 क्योंकि x का मान तो हटाना पड़ेगा आपको। तो यहां से आप देखिए ये आ जाएगा 0 से लेकर 3 वाई स्क्वायर बटे 4 dy। फिर आप देखिए 4 जो हर में है वो तो एक अचर राशि है इसको तो आप बाहर ले लीजिएगा तुरंत। ये आ जाएगा 0 से लेकर 3 वाई स्क्वायर dy 1/4 वाई स्क्वायर का यदि आप समाकलन करेंगे तो वाई की घात 3/3 आ गया। अब देखो निम्न सीमा 0 उच्च सीमा 3 आपके पास ये आ गई है। अब यहां से अगर आप उच्च सीमा सबसे पहले लगाएंगे तो देखो 1/12 तो हम पहले ही कर देते क्योंकि 3 भी अचर राशि और 4 भी अचर राशि तो मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास बचा है वाई क्यूब और निम्न सीमा 0 उच्च सीमा 3 तो ये आ जाएगा 1/12 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब यहां से आप ये देख सकते हैं 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा और 0 का क्यूब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 27/12 और फिर आप यदि इसको 3 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3×27/3×12 अर्थात 9/4। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और मात्रक आप लिखना चाहें तो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो आपने इस प्रश्न को तो हल कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपको तो यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना था क्योंकि आपको 4 विकल्प दिए हुए थे। तो अब आप देखो 9/4 आपके पास विकल्प बी में दिया हुआ है अतः विकल्प बी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा।